नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक का मॉर्निंग एडिशन। और आज संकेत जबरदस्त हैं, इंडियन मार्केट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो क्या यहां से बाजार और तेज होगा, इस मुद्दे पे बात करेंगे। मेरे साथ अरुण मंत्री जी से मैं ज्वाइन कर रहे हैं। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिजतक पे। नमस्कार राजेश। मार्केट्स तेज हैं, कल हमारे यहाँ तो छुट्टी थी, लेकिन अगर पिछले 2 दिनों का ट्रेंड देखो तो अमेरिकन मार्केट्स में जोरदार तेजी बनी है। और आज जो मैं एशियाई बाजार चेक कर रहा हूँ, तमाम मार्केट्स पॉजिटिव। निके में 0.25% की तेजी बन गई है, कॉस्पी लगभग 1% ऊपर है, हैंगसंग का बाजार 1.25% ऊपर है, चाइनीज मार्केट में जोश देखने को मिल रहा है। तो आज एशिया बाजारों का सेटअप पॉजिटिव है। एसडीएक्स निफ्टी आपको भले ही सपाट नजर आ रहा हो, लेकिन अगर आप अमेरिकन मार्केट्स की पिछले सत्र की क्लोजिंग देखोगे तो वो बहुत बढ़िया। और 2 सत्रों से लगातार हम देख रहे हैं कि डाउ जोन्स नैसडैक में धमाकेदार तेजी देखने को मिल रही है। 2 दिनों में डाउ जोन्स लगभग 464 पॉइंट्स बढ़ गया है, नैसडैक 2 सत्रों में लगभग 2.5% से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, 2.5% से ज्यादा बढ़ गया है 2 सत्रों में। तो इतनी जबरदस्त तेजी इस समय इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिल रही है। और पिछले सत्र में भी देखोगे तो आधे फीसदी डाउ जोन्स, नैसडैक में 0.1% की तेजी बनी थी। अमेरिका में जो एक ट्रिगर था वो था Q4 GDP आंकड़े, जो कि 2.6% आ गया Q4 में GDP अमेरिका का। एक्सपेक्टेशन थी 2.7% रहेगा, 2.6% रहा है, लेकिन अगर आप इसको Q3 के कंपैरेटिवली देखोगे तो 3.2% से घटकर GDP ग्रोथ 2.6% की रही है। ये अब स्लो डाउन की तरफ इशारा कर रहा है, और इससे अब ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला या तो धीरे होगा या धीरे धीरे करके थमेगा। इसी पे ही यहां पर बैट लगती हुई नजर आएगी। पर चलो, फेड जो लेगा स्टेप वो लेगा, लेकिन अमेरिका में GDP ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिला, जॉबलेस क्लेम्स बढ़ गए 1.91 लाख से बढ़कर 1.98 लाख पहुंचते हुए नजर आए हैं। आज यूएस में पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा आएगा और साथ ही साथ कंज्यूमर स्पेंडिंग का आंकड़ा आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। और हमारे यहां तो ट्रिगर है ही आरबीआई की पॉलिसी, जो कि एमपीसी की बैठक इस बार 3 और 5 तारीख को होगी, 4 तारीख को है छुट्टी, तो 3 और 5 तारीख को एमपीसी की बैठक होगी और 6 तारीख को आरबीआई फैसला सुनाएगा कि कितनी ब्याज दरें बढ़ाएंगे या फिर ब्याज दरें बढ़ाएंगे भी कि नहीं। और मेजर ट्रिगर है रिजल्ट सीजन, 6 अप्रैल को जीएम ब्रूरीज के नतीजे और 13 अप्रैल को इंफोसिस के नतीजे। अरुण जी, कैसा लग रहा है बाजार का मूड माहौल, कुछ सुधार देखने को मिला, ये शॉर्ट कवरिंग थी या वाकई अब निश्चित से खरीदारी आई है, क्योंकि एफआईज लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा खरीदारी का आंकड़ा कैश मार्केट में पोस्ट कर रहे हैं। देखिए नमस्कार रजत। देखिए रजत जी, दो चीजें काफी बेहतर हुई है लास्ट 2 दिन में। एक तो निफ्टी के जो रोल ओवर्स है वो 93% के आसपास के रोल ओवर्स आपको देखने को मिले हैं, तो निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर हुआ है। इवन बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छे रोल ओवर्स देखने को मिले हैं, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी यहाँ से ड्राइविंग सीट पर रह सकता है। 40,700 से 40,900 के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफी हल्के हैं। 9% के आसपास की इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशंस है एफआईआईएस की, और ओवरऑल निफ्टी जो है सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। इवन ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे सपोर्टिव है, तो ओवरऑल सभी जो क्यूज है वो पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है यहाँ से एक तेजी आज या कल के सत्र में आपको कैरी ओवर होती हुई नजर आएगी, तो हो सकता है आपको निफ्टी में 17,250-17,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस वीकली सीरीज में। सेकंड बैंक निफ्टी में 40,800 से 41,000, ये 2 लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर नीचे खुलता है माइनर भी या फिर जस्ट कभी भी इंट्राडे में भी लो बनते हैं मार्केट में, तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। नीचे में 16,900 आपका निफ्टी में स्टॉप लॉस होना चाहिए, 17,200-17,250 ये आपके 1 से 2 दिन के टारगेट निफ्टी में बन सकते। अच्छा, मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि मैं अपने चार्ट्स शेयर कर रहा हूं, तो एक बार देख लें कि वो चार्ट्स अलाइन हो जाएं प्रॉपरली स्क्रीन पे। लेकिन आज के सत्र में जिस तरीके की तेजी एक्सपेक्टेड है ना, सीधा चलते हैं चार्ट्स की। और ये देखो, ये है डाउ जोन्स जो मैंने अभी स्क्रीन पे लगा रखा है, और पिछले आप कुछ दिनों का ट्रेंड देखो, इट इज नॉट एट ऑल नेगेटिव। यहां पर निचले स्तरों से साफ तौर पर पता लग रहा है कि अमेरिकन मार्केट्स में खरीदारी देखने को मिल रही है, डाउ जोन्स लगातार चढ़ता चला जा रहा है। और अगर आप ये पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन पे देखोगे तो 464 पॉइंट दिखाई देंगे, लेकिन ये जो रिवर्सल आया ना इस बार, ये 31,900 के जोन से आया, तो डाउ जोन्स तो कमाल कर गया। और ये पिछले अपने स्विंग के ऊपर है, दैट इज 32,761 के ऊपर है, पिछली क्लोजिंग थी 32,859, तो डाउ जोन्स में अच्छा एक्शन है। ऐसे ही अगर आप नैसडैक कंपोजिट देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि 1-1 ट्रैक पे तेजी। और खैर, ये तो अगर तिमाही मतलब आप क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो 13% का जंप, उससे भी ज्यादा 13% से ज्यादा का उछाल नैसडैक पे देखने को मिला है, और ये Q4 2020 के बाद सबसे बेहतर आंकड़ा है। तो नैसडैक और डाउ जोन्स कमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे मार्केट्स रिलेटिवली सर जी पिछड़ रहे हैं, चाहे आप एशियन मार्केट्स देखो या फिर अमेरिकन मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स में कोई उतनी बड़ी तेजी अभी तक नहीं बनी, कुछ ओवर हैंग होगा अदानी ग्रुप का या फिर कोई और कंसर्न होगा, रिजल्ट सीजन को लेकर कुछ कंसर्न होंगे, लेकिन अभी ये है निफ्टी। और अब हम कौन से लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया हमने, तो आपको लग रहा है कि यहां से अभी और तेजी बनती हुई नजर आएगी आज के सत्र में या फिर 1-2 दिन के सेशंस में।
जी दो चीजें हैं जो स्पेशली जो मार्केट को रोक के 10 दिन से रखा था। पहला जो था वो मंथली एक्सपायरी था, क्योंकि एक्सपायरी में पोजिशन हैवी थे, वहां पे थोड़े आपको थोड़ी हल्कापन अब नजर आ रहा है। यहाँ से नई सीरीज शुरू हुई है तो अच्छा नया आपको बाउंस देखने को मिलेगा। सेकेंड जो 31 मार्च जो होता है, यूजली आपको वॉल्यूम्स कम देखने को मिलते हैं, सेटलमेंट ज्यादा होते हुए नजर आते हैं, वो भी एक रीजन है मार्केट के ठहराव का। तो दो मेजर रीजन मुझे नजर आते हैं। तो मुझे लग रहा है आज भी थोड़े वॉल्यूम्स हो सकते हैं आपको थोड़े ड्राई या कम होते हुए नजर आए, पर कल से या फिर मंडे से आप कह सकते हैं मार्केट अगेन फुल फ्लेज में रहेगा। ओवरऑल मार्केट में जो अंडर परफॉर्मेंस थी लास्ट 2 या 3 दिन से ग्लोबल मार्केट से कंपैरिजन में, वो ज्यादा कवर होती हुई नजर आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 17150 जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसी के आसपास मार्केट है, 60 से 70 पॉइंट है। 17150 के ऊपर जैसे निकलेगा मार्केट में 217-250 17300 के लेवल्स इसी सीरीज में है, नेक्स्ट 2 दिन में आपको देखने को मिलेंगे। वैसे सभी को पता है 16900 16800 जो बजट के लोस थे, जब वो लोस अभी भी काफी डिसाइसिवली ब्रीच नहीं हुए, तो नीचे में अगर पोजिशनल सपोर्ट मान के चले तो 16900 16800 का सपोर्ट ऑलरेडी स्ट्रांग बन चुका है। तो 16800 में नीचे सपोर्ट, ऊपर में 17300, ये 500 पॉइंट की रेंज इस वीकली सीरीज में रहनी चाहिए। और जैसे ही 17150 के ऊपर निकलेगा मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी निफ्टी में, तो 17250 17300 तक लेके जा सकते। अच्छा मैं फिर बोल रहा हूँ, ये देखो ये पिछले 13 सत्रों से ये हो क्या रहा है, 16800 नीचे बचा रहा है, ऊपर 17225 बचा रहा है। ये पिछले 12 मान लो, बिकॉज 13 तो बहुत ही तगड़ा एक बिकवाली वाला कैंडल था उससे पहले जो 13 मार्च को बनी थी, तो ये 12 सत्रों से तो इसी जोन में एक बहुत ही नैरो रेंज में घूमता हुआ नजर आया निफ्टी। लेकिन आप अगर आप फिर दूसरे मार्केट्स देखोगे जहां पर कंसर्न्स हैं बैंकिंग सिस्टम को लेकर, और ये मार्केट जो सिखाता है आपको, हमारे यहाँ कोई कंसर्न नहीं था, अमेरिका में था। अमेरिका में कौन सी रेंज देखने को मिल रही है, अमेरिका में तो निचले से उल्टा खरीदारी हो गई, तो खरीदारी वो कर गए वहां पे और बेच गए यहाँ पर एफआईएस। अब एफआईएस के फिगर जो देखो, इस बार भी पिछले सत्र में भी खरीदारी की फिगर थी, और जो बुधवार का सत्र था उसमें भी 1245 करोड़ रुपए की खरीदारी है। अभी मेजरली जो हम ट्रैक कर रहे हैं दैट इज बैंकिंग, और ये जो मार्च सीरीज के आखिरी में हुआ अरुण जी, ये एकदम से बैंकिंग ने तूल पकड़ ली, निफ्टी से ज्यादा कन्विक्शन एकदम से बैंक निफ्टी में क्या आपको नजर आ रहा है, और क्या 39,900 के ऊपर अब कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि हाँ बैंकिंग स्टॉक्स चढ़ने को तैयार हैं, बिकॉज रिजल्ट्स ट्रैक होंगे, रिजल्ट में सबसे पहले बैंकिंग के रिजल्ट्स ही बहुत क्लोजली ट्रैक होंगे, उम्मीद उन्हीं से ही है। जी दो, वैसे तो जैसे कि आपने रिजल्ट्स की बात की, आईटी और बैंकिंग ये दो मेजर मेरी भी काफी नजर है दोनों ही सेक्टर पे, क्योंकि आईटी सेक्टर पे क्या वो रुझान देते हैं आफ्टर जो एसवीबी के साथ हुआ या यूएस में जो हो रहा है उसका क्या क्या कमेंट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, दो मेजर ट्रिगर है, एक तो जो आरबीआई की पॉलिसी है उसके आगे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, और दूसरी जो है वो अंडर परफॉर्मेंस काफी था इसीलिए ऐसे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। लेवल्स की बात करें तो 40,200 के ऊपर इसका ब्रेकआउट लेवल है, जो ब्रेकआउट 17150 के ऊपर निफ्टी में है वो सेम ब्रेकआउट 40,200 के ऊपर बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा। तो 40,200 के ऊपर जैसे निकलेगा 40,800 से 41,000 ये दो लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, निफ्टी के लिए 17150 आज के लिए एक हो सकता है रेजिस्टेंस लेवल रहे, और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है 40,200 के आसपास का बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है। इस सीरीज की बात करें तो 40,800 के टारगेट मुझे बैंक निफ्टी में आते हुए नजर आ रहे हैं, और निफ्टी में 17,250 के ऊपर नजर आ रहे हैं। सपोर्ट की बात करें तो 39,500 से 39,600 ये सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए है, और 16,900 जो सपोर्ट है वो निफ्टी के लिए बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल जो नेक्स्ट 2 दिन का सेशन रहेगा बाय ऑन डिप्स या बाय, अगर फ्लैट पे भी खुलता है तो आप बाय करके चल सकते हैं। 40,200 बैंक निफ्टी में पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 40,700 निफ्टी में, पहला टारगेट 17,150 17,150 के ऊपर निकलेगा, 17,250 17,300 ये दो टारगेट्स आपको निफ्टी में भी देखने को मिल सकते, और ब्रेकआउट होना है 17,250 के लेवल के ऊपर, देखते हैं वो हो पाता है कि नहीं। और निफ्टी बैंक पे जो लेवल पिछला स्विंग था दैट वाज 40,200, तो आप टारगेट्स ही वहीं के दे रहे हो जहां पर पिछले स्विंग्स हैं, तो ठीक है अगर उसके ऊपर निकला तो समझेंगे कि ब्रेकआउट, लेकिन अभी के हिसाब से 16,900 मेजर सपोर्ट, अभी इमीडिएटली अगर देखना है तो 17,000 17,025 भी नहीं टूटने वाला मेरे को तो ऐसा लग रहा है, बिकॉज जो पुट राइटर्स हैं वो भर भर के पुट राइट करके गए हैं 17,000 के लेवल पे, 17,000 की पुट में भी एडिशन लगभग 75 लाख 76 लाख शेयर 17,000 की पुट में खड़े हुए हैं, और 52 लाख शेयर्स तो पिछले सत्र में ही जुड़ गए थे।
है तो 17,000 की कॉल में भी उतना ही 57 लाख शेयर 33 लाख शेयर जुड़ गए थे, लेकिन पुट राइटर्स का जोर ज्यादा है, ट्रेंड इस समय बाजार में फेवर में है, तो देखते 17,000 के लेवल को बचा पाते हैं कि नहीं। ऊपर जैसे कि अरुण जी बोल रहे हैं कि 17,150 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर अगर निकल गए तो फिर तेजी का अनुमान 17,225 पे रुकेंगे। 17,225 बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है, पिछले 13-1700 इसके ऊपर की क्लोजिंग देखी नहीं गया ही नहीं, वैसे तो अटेम्प्ट एक दो बार ही किया है, तो 17,225 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। और ऐसे ही बैंक निफ्टी पे 40,150 40,200 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, इसके ऊपर अगर जाएगा तो एकदम से तेजी बनती हुई नजर आएगी, इसके ऊपर नहीं गया 40,200 के ऊपर तो फिर कोई ब्रेकआउट नहीं होगा, 40,200 के ऊपर ही ब्रेकआउट होगा और निफ्टी पे 17,225 के लेवल के ऊपर ही ब्रेकआउट होगा। तो अपने जो लेवल्स हैं उसको क्लोजली वॉच कीजिएगा जो आपको यहां पर बताए जा रहे हैं, और उसी के आधार पर अगर आप ट्रेडिंग की पोजिशन बनाओगे तो ठीक, और अगर पोजिशनल बनाना है तो लेट इट ब्रेकआउट, पहले मार्केट को एक चाल पकड़ने दो, जो कि इस बार बुल्स के पास एक और बेहतरीन मौका है चाल पकड़ने का। अरुण जी फिर कौन से स्टॉक्स चाल पकड़ेंगे, पिछले सत्र में तो सब चढ़ गया, बैंक्स चढ़ गए, ऑटो चढ़ गए, सीमेंट चढ़ गया, सब एकदम से खरीदारी होती हुई नजर आई थी, तो अभी आपका फोकस कौन से सेक्टर्स कौन से स्टॉक्स पे? जी दो सेक्टर मुझे काफी पसंद आ रहे हैं, वैसे तो ओवरऑल अगर आप देखें तो तीन सेक्टर मुझे लग रहा है इस सीरीज में अच्छा कर सकते हैं। पहला जो है वो डेफिनेटली बैंकिंग, जैसे कि आपने कहा, जैसे कि मैंने भी वही रिपीट किया कि बैंक निफ्टी में जो है काफी शॉर्ट्स है, रोलर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हुए हैं, तो एक्सिस बैंक में मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला स्टॉक अगर आपको इस सीरीज में 21 वीक के लिए बाई करना है तो मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक करेंट लेवल पे बाई करें, 810 का स्टॉप लॉस लगाएं, 885 890 के टारगेट्स मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक में आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा स्टॉक जो है मुझे BDL में मुझे लग रहा है पोजिशनल बेसिस पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए, क्योंकि कल के सत्र में एक बड़ा ब्रेकआउट डिफेंस स्टॉक में आया, तो सेकंड जो सेक्टर है वो डिफेंस में होगा, तो BDL को करंट लेवल पे बाय करें, 950 के आसपास की क्लोजिंग है, 920 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1020 1040 के टारगेट्स आपको BDL में देखने को मिलेंगे। और तीसरा जो स्टॉक होगा वो होगा HCL Tech, मुझे लग रहा है आईटी में भी ऑलमोस्ट काफी करेक्शन आ चुका है, कल के जो रोलर्स हुए वो भी काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, तो HCL टेक्नोलॉजी तीसरा स्टॉक होगा जहां पे आपको बाय करके चलना है, 1120 1140 आपको HCL टेक में पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिलेंगे। ये इंट्राडे के लिए स्टॉक्स तीनों ही नहीं है, तीनों ही मुझे लग रहा है पोजिशनली काफी अच्छा करेंगे, अगर आप नेक्स्ट वीक का व्यू लेके भी चलते हैं तो तीनों में अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सिस बैंक, भारत डायनेमिक्स और HCL टेक, ये तीन स्टॉक्स हैं जो अरुण जी के रडार पर, कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से सर? जी ये तीनों ही स्टॉक में HCL Tech और एक्सिस बैंक हमने ऑलरेडी क्लाइंट्स को रिकमेंड करके रखा है, जो कि वेनेसडे के आसपास किया था, और BDL जो है मुझे आज काफी बड़ा ब्रेकआउट भी कल के सत्र में नजर आया था, क्योंकि कंफर्मेशन पेंडिंग था और मार्केट का ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है BDL में आपको आज के सत्र में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। सेकेंडली एक बड़ी न्यूज भी ऑलरेडी मार्केट में आई है कि एक बड़े डिफेंस ऑर्डर्स कल भी अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं, तो उसमें से एक बड़ा ऑर्डर BDL को भी मिला है, तो BDL BEL दोनों ही चार्ट मुझे काफी मजबूत नजर आते हैं। पोजिशनल बेसिस पे बाय करें, इंट्राडे के लिए ये स्टॉक्स मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं, यूजुअली डिफेंस स्टॉक्स, पोजिशनल आपको बाय करना तो डेफिनेटली BDL में करके चल सकते। चलिए मैं आपके पास डिफेंस पे दोबारा आऊंगा, जो आप बोल रहे हो ऑर्डर फ्लो की खबरें, उसमें BEL BDL कोची शिपयार्ड सबको ऑर्डर्स मिले हैं और उसका एक इंपैक्ट तो डिफेंस सेक्टर पे आने ही वाला है, लेकिन जो फोकस में आएगा वो आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक बार प्लीज देख के बताएं, बिकॉज ये कल देर शाम को खबर आई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में डीमर्जर की खबर है और उसमें रिलायंस जियो जो कि इनकी फाइनेंशियल आर्म है, जियो फाइनेंशियल जो इनकी फाइनेंशियल आर्म है उसके डीमर्जर के ऊपर बोर्ड बैठक है। जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर के ऊपर 2 मई को बोर्ड बैठक करने जा रहा है रिलायंस का बोर्ड। अब पिछली बार जब ये खबर आई थी अक्टूबर में तो ये पता लगा था कि रिलायंस के एक शेयर पर जियो फाइनेंशियल का एक शेयर देने का प्रस्ताव है। अब देखते हैं बोर्ड मेंबर्स शेयर होल्डर्स ये क्या अप्रूव करते हैं कि नहीं, और किस तरीके की वैल्यूएशन होंगी जियो फाइनेंशियल की, ये समय सवाल है किस लेवल पे, अगर लिस्टिंग इसकी लिस्टिंग भी होनी है जियो फाइनेंशियल की, तो क्लियर कट वैल्यू अनलॉकिंग का एक केस हो गया रिलायंस इंडस्ट्री। सर ये बहुत ज्यादा हायर लेवल पे स्लिप हो रहा था, अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, 2100-2200 के लेवल को बार बार दस्तक दे रहा था, क्या ये चढ़ाई चढ़ने को तैयार है? रिलायंस चढ़ गया तो बाजार चढ़ जाएगा साथ साथ। जी लास्ट वीक भी हमारी इस स्टॉक पे बात हुई थी, 2200-2180 से 2200 का लेवल, जब भी यही कहा था कि ये जो लेवल है एक्यूपेशन लेवल है, वहीं से स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस भी दिया, 2230-2235 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करें, नई खरीदारी भी करना है तो डेफिनेटली करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मंथली और वीकली दोनों ही सपोर्ट के आसपास है, 2200 का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो 2280-2290 के टारगेट्स आपको रिलायंस में देखने को मिलेंगे। एक चीज का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये मर्जर की न्यूज ऑलरेडी मार्केट
मार्केट में ऑलरेडी चल रही थी कि एसआईटी पर डीमर्जर की न्यूज हो सकती है कि जियो फाइनेंशियल का जो कारोबार है वो अपने से अलग करे, तो मई 2 तक हो सकता है इसका आपको क्लैरिटी आपको देखने को मिले। तो 2200 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, 2200 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें, 2280 2290 के टारगेट आपको रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। चूंकि एक इंडेक्स हैवी वेट है, ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा था, इसलिए हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट आपको रिलायंस होता हुआ नजर आ सकता है। तो रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का जो नाम है उसको बदल के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कर दिया जाएगा। केवी कामत इनके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं ही, और आपको पता है कि ये एक क्लियर कट वैल्यू लॉकिंग का एक कैंडिडेट बन जाएगा। और ये बता दूं आपको, इसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, देखिए इतना छोटा मोटा कारोबार नहीं है, बहुत ही मेजर कारोबार है। अब ये टक्कर जो होगी वो क्लियर कट पेटीएम को होगी, और ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कंपनियां इनको भी होगी। मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व भी कहीं ना कहीं इस समय कॉम्पिटिशन की उसमें रहेंगे, लेकिन जियो इन्फॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज, जियो रिलायंस पेमेंट सोल्यूशन, रिलायंस पेट्रोलियम रिटेल, रिलायंस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग, ये सारे कारोबार हैं जियो फाइनेंस के जो इनका मुख्य बिजनेस है। तो देखते हैं कि यहां पर अब इस पे और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन दिस वाज बिग फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज, 2 करोड़ ग्राहकों का पोर्टफोलियो है। देखते हैं कि उसके बाद अब यहां पर क्या कुछ धमाल मचाता है। ये लिस्टिंग भी होगी, दैट इज फॉर श्योर, यहां पर लिस्टिंग भी होगी, बस इसको अप्रूवल अब मिलना बाकी है कि शेयर होल्डर्स इसको अप्रूवल देते हैं कि नहीं। अदानी ग्रुप के ऊपर एक खबर है सर, 2 चरणों में रकम जुटाना चाहते हैं, $1 बिलियन की बॉन्ड्स के जरिए प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, लेकिन जिस पे बात हो रही है वो है ब्लैक रॉक इनकॉर्पोरेशन, ब्लैकस्टोन इनकॉर्पोरेशन, पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। ये अगर $1 बिलियन जुटा लेते हैं तो बहुत समस्याएं हल हो सकती हैं, फंडिंग की समय जरूरत है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स एकदम से पिछले सत्र में तूल पकड़ गए थे, वहां के CFO ने बोल दिया था कि ये जो कैश फ्लो को लेकर कंसर्न बना हुआ है ऐसा कुछ नहीं है, और ऊपर से लोन अगेंस्ट शेयर्स जो है वो प्रीपे करते चले जा रहे हैं, एक्सचेंजेस पे डेटा भी अपडेटेड नहीं है, वो नेक्स्ट क्वार्टर में अपडेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से $2.15 बिलियन का लोन अगेंस्ट शेयर्स इन्होंने ऑलरेडी प्रीपे कर लिए हैं, प्लेस शेयर छुड़वा लिए प्रमोटर्स के, उसके बाद शेयर हो गए रॉकेट, 7-8% बढ़े अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस। अब तो खैर $1 बिलियन की जो जुटाने जा रहे हैं उसके ऊपर भी अभी और डेवलपमेंट होनी बाकी है। आप कैसे देखते हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को? रज जी, एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल रहा है, ओवरऑल अडानी एंटरप्राइज की बात करें नीचे में 1600-1700 के आसपास का बेस है, ऊपर में 2100 का लेवल है, इसे तोड़ नहीं पा रहा, तो 450 पॉइंट की रेंज मुझे नजर आ रही है। जहां तक ओवरऑल कंपैरिजन करें, ओवरऑल ग्रुप में कंपैरिजन करें, तो अडानी पोर्ट्स का चार्ट काफी मजबूत है। अडानी पोर्ट में हो सकता है पहले आपको परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिले, तो अडानी पोर्ट्स हो सकता है ओवरऑल ग्रुप में अच्छा करे। सेकंड जो है वो अंबुजा सीमेंट है, 340-350 के आसपास उसका अच्छा एक्युमुलेशन लेवल मुझे अंबुजा में भी नजर आता है। तो जहां तक अडानी पोर्ट्स की बात है, 670-680 तक के लेवल्स आपको अडानी पोर्ट में एक्सटेंड होते हुए नजर आएंगे, और अंबुजा 380-385 के लेवल्स आपको अंबुजा में भी देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है 348 के नीचे लगाना है, तो अंबुजा और अडानी पोर्ट्स ये मुझे लग रहा है ये आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस क्योंकि एक जो बड़ा कंसर्न है उसी कंपनी की तरफ से आया, तो वहां से शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट अडानी एंटरप्राइज हो सकता है, पर जहां तक चार्ट की बात करें तो अडानी पोर्ट और अंबुजा ये मुझे थोड़े बेहतर पोजिशन लगते हैं। जहां तक अडानी एंटरप्राइज की बात है, 1600 में नीचे में सपोर्ट है और ऊपर में 2100, ये 500 पॉइंट की रेंज में आपको अडानी एंटरप्राइज ओवरऑल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एज अ डिस्क्लेमर मैं बता दूं, कोई भी स्टॉक में खरीदारी की राय अभी भी इस ग्रुप में नहीं है। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है या फिर थोड़ा बहुत निवेश करना है, तो अंबुजा सीमेंट के अलावा कोई भी स्टॉक हम इस ग्रुप में रिकमेंड नहीं करते। ओके राइट, अब सीधा डिफेंस स्टॉक्स की ओर चलते हैं, बिकॉज खबर यहाँ पर इतनी बड़ी है। आपने ऑलरेडी बता दिया कि BEL आपको पसंद है, BEL में भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। तो पहले तो BEL, ये ना लगातार 2 सत्रों से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े ऑर्डर फ्लोज मिल रहे हैं, BEL को तो 2 सत्रों में देख लिया हमने ऑर्डर फ्लोज मिलते हुए, लेकिन इस बार जो लेटेस्ट ऑर्डर मिला दैट इज रक्षा मंत्रालय से, 2394 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिले हैं, ये मेरे ख्याल से 2 कॉन्ट्रैक्ट है जो इनको मिले हैं। तो एक बार प्लीज BEL, जिनके पास भी ये शेयर्स हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वो क्या करें और क्या फ्रेश एडिशन कर सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या होगा? जी डेफिनेटली, एक डिस्क्लेमर और दे दूं, BEL और BDL दोनों ही हमने एज अ मंथली पिक रिकमेंड किया, तो दोनों ही स्टॉक वैसे तो ठीक लग रहे हैं, BDL में आउट परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। जहां तक BEL की बात है, अगर किसी की होल्डिंग है तो होल्ड करके चल सकते हैं, 87 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 101 से 102 आपके टारगेट होंगे पोजिशनल बेसिस पे। तो मुझे लगा अगर BEL किसी को बाई करना है तो करंट लेवल पे बाई करके चल सकते हैं, 90 से 91 का जो लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो BEL को करंट लेवल पे भी बाई करके चले, 87 का स्टॉप लॉस लगाएं, 100 से 101 ये 2 टारगेट्स आपको BEL में देखने को मिल सकते हैं।
ओके बीडीएल जैसे आपने अभी बोला था एक बार फिर से प्लीज रिपीट कर दीजिए, बिकॉज इसमें रक्षा मंत्रालय की तरफ से 8161 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला, ये आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए मिला मेरे ख्याल से, और दूसरा एमएलएच हेलीकॉप्टर्स में सीएमडीएस के लिए 261 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो बीडीएल के लिए दो खबरें हैं जो रूल करेंगी, आप कैसे देखते हैं स्टॉक? जी बीडीएल ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, मैंने शुरू में भी ये कहा बीडीएल मुझे करंट लेवल से अच्छा लगता है क्योंकि एचएल का आउट परफॉर्मेंस काफी हो चुका है और बीएएल और बीडीएल थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे ओवरऑल अगर आप देखें डिफेंस स्पेस में। तो बीडीएल जो है ब्रेकआउट के आसपास है, 950 के ऊपर कल ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से रैली एक्सटेंड हो सकती है, 1000-1020 के लेवल्स आपको ओवरऑल बीडीएल में देखने को मिलेंगे, 920 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए क्योंकि ऑर्डर फ्लोस के न्यूज काफी हैवी है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे लग रहे हैं ओवरऑल। अगर आप लास्ट दो सेशन में देखें तो ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे बीडीएल में, तो मुझे लग रहा है रैली एक्सटेंड होगी, 1000-1020 के लेवल्स आपको पोजिशनल बेसिस पे बीडीएल में देखने को मिल सकते हैं। कोची शिपयार्ड रक्षा मंत्रालय से 9805 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, और ये भी कोची शिपयार्ड बहुत ज्यादा सर, ये वैसे ना इस बार मिड कैप्स की हालत इतनी टाइट है कि ये इनको तो वैसे वेसल्स बनाने के लिए ऑर्डर मिलते हैं और इनको मेरे ख्याल से अच्छा खासा समय मिला होगा इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, पूरा करने के लिए, लेकिन ये स्टॉक एकदम से ऑर्डर फ्लो के चलते ही लगभग 10% ऊपर हो गया था पिछले सत्र में, तो अभी क्या करना चाहिए, इसको यहाँ पर खरीद सकते हैं या फिर डिप का इंतजार करें? जी कोचिन शिपयार्ड का स्ट्रक्चर ओवरऑल अगर आप डिफेंस में कंपेयर करें तो थोड़ा अभी भी नेगेटिव है क्योंकि 500-520 के लेवल से आसपास इसके रेजिस्टेंसेस है, तो अभी भी स्टॉक में हो सकता है आज के सत्र में थोड़ी तेजी देखने को मिले, 480-490 के लेवल्स तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक गिरा हुआ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफी हैवी थे, तो एक रैली एक्सटेंड होगी, पर अभी भी इस स्टॉक में खरीदारी की राय पोजिशनल बेसिस पे नहीं दे रहे हैं, किसी के पास होल्डिंग है तो होल्ड करके चल सकते हैं, 439 या 440 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 480-490 के लेवल तक रैली एक्सटेंड होती हुई आपको नजर आएगी। तो ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं डिफेंस में तो बीईएल और बीडीएल काफी बेहतर कर सकते हैं और कोचिन शिपयार्ड करंट लेवल से अवॉइड करें, किसी के पास होल्डिंग है तो 490 के टारगेट के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने बोला था एचएल, आपने बोला कि ओएफएस में खरीदना चाहिए अपने क्लाइंट्स को, लेकिन अब एचएल वहां से तो ऊपर आ गया है, 2706 के लेवल पे आ गया, और खबर यहां पर है कि इनकम टैक्स विभाग से इनको रिफंड मिला है 791 करोड़ रुपए का, तो ये पॉजिटिव खबर है। अभी एचएल यहां से और तेज हो सकता है क्या या फिर अब प्रॉफिट बुकिंग करने का समय? देखिए वैसे तो गवर्नमेंट कंपनी और रिफंड वगैरह के जो इश्यूज होते हैं वो यूजुअली जल्दी सेटल हो जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के, वो एक पॉजिटिव न्यूज आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, पर ओवरऑल मुझे डिफेंस के ऑर्डर फ्लो जिस हिसाब से आ रहे हैं और जिस हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट बना हुआ है तो ओवरऑल डिफेंस स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं, 2740-2770 ये लो दो लेवल्स आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं, तो 2770 के लेवल तक आपको हो सकता है एचएल रैली करता हुआ नजर आए क्योंकि 2770-2800 का जो लेवल है उसके प्रीवियस हाई थे वहां पे जाके स्टॉक डेफिनेटली रुकेगा, तो 2770 के टारगेट के साथ आप करंट लेवल पे होल्ड करके चले, क्योंकि पिछले वीक भी मैंने रिकमेंड किया था जब ये स्टॉक नीचे था एचएल का ओएफएस चल रहा था तो वहां से भी मुझे लग रहा है अच्छी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, तो 2770 के टारगेट मुझे लग रहा है आने वाले 1-2 दिन में आपको एचएल में भी देखने को मिल सकता। चलिए व्यूअर्स को भी साथ साथ कनेक्ट कर लेते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, पहले तो आप सभी को एक गुड मॉर्निंग और शुक्रिया अपना समय सुबह सुबह बिस्तर को देने के लिए, ऐसे ही रोज प्लीज हमारे साथ जुड़िए, पहले हम प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जैसी मार्केट ओपन होगी तो उसको कुछ ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी अरुण मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, तकनीकी चार्ट पे गहरी पकड़ रखते हैं, और अगर आप उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो तरीका बहुत सिंपल है, जहां पर आप ये शो देख रहे हो वो है बिस्तर का यूट्यूब प्लेटफॉर्म, वहां पर जाके चैट बॉक्स सेक्शन में अपने कोई भी सवाल पोस्ट कर सकते हो मार्केट से रिलेटेड, और एक काम जरूर कर लीजिए तक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको अलग अलग जॉनर्स का कंटेंट मिलता रहेगा नोटिफिकेशन के जरिए, तो तक ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। अभिमन्यु जी का सवाल आया है पहले, गुड मॉर्निंग सर, ये पूछ रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस 175 शेयर है लेकिन भाव है 2038 175 शेयर हैं, क्या करना चाहिए? रेंज जी पहले भी मैंने ये कहा अडानी एंटरप्राइज की जो रेंज खड़ी है वो 2100 तक के मुझे लग रहा है ऊपर में आपको रेंज देखने को मिलेगी, नीचे में 1600-1700 के आसपास का बेस नजर आ रहा है, तो इनकी जो बाइंग है वो 2300 के आसपास की है, तो एक काम ये कर सकते हैं या फिर एक ट्रेड या फिर एक स्ट्रेटेजी ये बना सकते हैं कि 1600 का पहले तो आप स्टॉप लॉस लगाएं क्योंकि पहले रिस्क डिफाइन करना काफी जरूरी है, चूंकि एक स्टॉक न्यूज में है और बड़े न्यूज फ्लोस ऑलरेडी स्टॉक में आ रहे हैं तो 1600 का स्टॉप लॉस तो पहले जरूर लगाएं,
अगर आप एवरेजिंग करना चाहे तो करंट लेवल पे भी कर सकते हैं, ताकि आपका एवरेज प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए, 2000 के आसपास का अगर आ जाता है तो हो सकता है आपको एक एग्जिट देखने को मिले। एक चीज का ध्यान जरूर रखें, 1600 का स्टॉप लॉस आप सिस्टम में भी लगा के रखें। अगर स्टॉक 1600 के नीचे जाएगा तो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, तो 1600 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें। एवरेज करना चाहे तो भी कर सकते हैं, 2100 आता है तो अपनी पूरी पोजिशन से स्टॉक से निकल जाए। BLS इंटरनेशनल को आप ट्रैक करते हो? अमित जैन जी ने बहुत बार लिख दिया, ये बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या, प्लीज बता दीजिए। रोहित जी डेफिनेटली ट्रैक करते हैं, और स्प्लिट के बाद ये स्टॉक में ज्यादा बड़ा मोमेंटम भी नजर नहीं आ रहा, मोमेंटम जितना भी वो फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, पर स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर दो ट्रांच में बाइंग करें इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। ट्रेडिंग का तो वैसे भी ये स्टॉक नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम्स काफी ट्राई है, 160 के आसपास चल रहा है, 160 150 के आसपास इसके बीच में मिलता है तो डेफिनेटली बाय करके चले। 142 या 143 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएं। ये प्योर इन्वेस्टमेंट बेसिस पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम कम है और एक अच्छा स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे नजर आ रहा है, तो 150 160 के बीच में एक्यूमुलेट करें। वापस मुझे लग रहा है 180 185 के लेवल स्टॉक में देखने को मिलेंगे। ट्रेडिंग या इंट्राडे या शॉर्ट टर्म पर ट्रेडिंग के लिए बाई नहीं करें। अगर आपका थोड़ा लंबा व्यू है, 2 से 3 महीने रखना चाहते हैं, तो करंट लेवल से आप एक्यूमुलेशन करके चल सकते हैं। पंकज सिंह जी पूछ रहे हैं MTAR टेक में क्या किया जाए, लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, क्या ले सकते हैं MTAR टेक? अरे जी ओवरऑल डिफेंस में तो मेरा रुझान रुझान पॉजिटिव है, पर MTAR टेक जो भी एक डिफेंस कंपनी में डिफेंस लेंस के कारोबार में मुझे जितना पता है लेंस और 2-3 चीजें मैन्युफैक्चर करती है, तो ओवरऑल चार्ट अभी भी मजबूत नहीं है। जिस हिसाब से डिफेंस के तो स्टॉक्स चल रहे हैं, मुझे अभी भी लग रहा है स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा वेट कीजिए। स्टॉक में अभी भी कोई बड़ा रुझान पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। अगर आपको डिफेंस में रहना है तो BEL BDL ये दो स्टॉक आप बाई करके चल सकते हैं। इवन पारस डिफेंस भी मुझे लग रहा है वो भी एक अच्छा बेस बना रहा है, तो पारस डिफेंस भी आप अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो MTAR टेक का अवॉइड करें, डिफेंस में ही रहना है तो BEL या BDL दोनों ही आप बाई करके चल सकते हैं। अमर जी गुड मॉर्निंग। सपना जी सवाल पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट पर व्यू कर। सर वैसे सीमेंट स्टॉक्स में क्या हो रहा है, क्यों आप ट्रैक कर रहे हो? जेके लक्ष्मी सीमेंट पे सवाल है, वो तो आप बता ही दो, लेकिन जेके सीमेंट देखो, इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, और एक और था, हाँ दालमिया भारत, इतने सारे स्टॉक्स एकदम से चल पड़े। देखिए रजी डेफिनेटली ट्रैक करते हैं सीमेंट स्टॉक्स में, और काफी बार रिकमेंड भी किया है, तो ओवरऑल मेरा जो पसंद है इस सेक्टर में लेडर के साथ ही अल्ट्राटेक, लास्ट सीरीज में भी काफी रिकमेंड किया था और काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। अल्ट्राटेक अभी भी अच्छा लग रहा है। जहां तक जेके लक्ष्मी जो इन्होंने बात की है, मुझे लग रहा है उसमें भी एक बड़ा ब्रेकआउट कल के सत्र में आया, तो 800-820 के लेवल आपको जेके लक्ष्मी में भी देखने को मिलेंगे। चूंकि वॉल्यूम्स हैवी है, सीमेंट का ओवरऑल जो रुझान है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है, सेक्टर में रोलओवर भी काफी अच्छे हुए हैं, तो जेके लक्ष्मी अगर की होल्डिंग है तो होल्ड करें, 800-820 तक रैली एक्सटेंड हो सकती है। ओवरऑल सेक्टर में मुझे लग रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट में आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पोजिशनल बेसिस पे देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट में बड़ा ब्रेकआउट कल के सत्र में आ चुका है, 7800-7900 के लेवल्स आपको अल्ट्राटेक में भी देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल सीमेंट में बात करें तो अल्ट्राटेक को बाय करें, 7450 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में मुझे लग रहा है 7800-7850, ये दो लेवल्स आपको अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। संकेत अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि ये फिनोलेक्स केबल्स के लेवल्स कौन से होंगे, टारगेट बताया जी या फिर एग्जिट लेवल? इन्होंने ये नहीं बताया कौन से लेवल पे इन्होंने खरीदा, लेकिन हाँ एक टारगेट पूछ रहे हैं। देखिए फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की बात करें, फिनोलेक्स केबल्स सर बहुत तेज है, फिनोलेक्स केबल्स। देखिए फिनोलेक्स केबल्स भी चार्ट तो ओवरऑल पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से भी काफी अच्छा कर सकता है, पर जिस हिसाब से इसकी करंट पोजीशनिंग है, मुझे लग रहा है इस स्टॉक में आप अगर आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग नहीं है तो थोड़ा वेट करें। ऊपर में मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, मुझे लग रहा है ऊपर में स्टॉक 190-192 के लेवल्स करंट लेवल से भी दिखा सकता है। स्टॉक ओवरऑल पोजिशनल काफी अच्छा है, अगर होल्डिंग है तो 165 के साथ होल्ड करें, 191-192 के लेवल्स ऊपर में स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। जो मैं जेके सीमेंट बोल रहा था, जेके लक्ष्मी, जेके सीमेंट वगैरह जो सीमेंट स्टॉक्स है, उसमें जेके सीमेंट पे आज एक खबर है कि ग्रे सीमेंट बनाने की जो क्षमता है उसको सालाना क्षमता 20 लाख टन से बढ़ा दिया इन्होंने, तो एक बार जेके सीमेंट पे भी एक व्यू दे दीजिए, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। जी ओवरऑल अगर आप सीमेंट की बात करें, जेके सीमेंट में भी कल ब्रेकआउट आ चुका है, 2961 के आसपास की क्लोजिंग है, मुझे लग रहा है 3100-3150 के लेवल्स आपको जेके सीमेंट में भी देखने को मिलेंगे। चूंकि एक ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म आज हो जाता है, चूंकि वीकली क्लोजिंग भी है, तो 3100-3200 के लेवल्स आपको जेके सीमेंट में भी देखने को मिलेंगे।
ओवरऑल सीमेंट में रोलओवर्स काफी स्ट्रॉन्ग हुए हैं, ओवरऑल जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है वो भी काफी पिछले 4 से 5 दिनों में काफी हैवी नजर आ रही है, तो ओवरऑल सेक्टर भी अच्छा लग रहा है, स्टॉक भी मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के आसपास है, तो जेके सीमेंट में अगर आपको बाई करना है तो करके चल सकते हैं, 3200 का टारगेट रहेगा, 2880 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना। ओके okay, ये अशोक जी पूछ रहे हैं कि इंफोसिस और एशियन पेंट्स किस प्राइस पे लेना चाहिए। देखिए रेजी, इंफोसिस का अगर ओवरऑल चार्ट देखें, चार्ट अभी भी नेगेटिव है पर 1350 1380 का जो बेस है उसी के आसपास खड़ा है, अगर आप धीरे धीरे बाई करना चाहते हैं तो इसको जरूर करंट लेवल पे भी कर सकते हैं, 1380 का जो लेवल है वो मंथली सपोर्ट के आसपास है, पर पूरा स्टॉक अभी बाई ना करें, मुझे लग रहा है थोड़ा और आपको नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो अगर आपको 2 से 3 ट्रांच में बाई करना है तो पहला तो आप करंट लेवल पे भी बाई करें, ये अच्छे लेवल्स है, यहाँ से भी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत अच्छा ऊपर के लेवल्स देखने को मिले, तो धीरे धीरे एक्युमुलेट करें आईटी स्टॉक्स को, थोड़ा रिजल्ट्स ट्रैक करें क्योंकि ये रिजल्ट्स जो रहेंगे उसमें आपको कमेंट्री भी देखने को मिलेगी कि लास्ट यूएस में जो चीजें हो रही है उसका बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट हुआ है, तो धीरे धीरे अगर आप आईटी स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं तो एक्युमुलेट करके चल सकते हैं, वन गो में ना करें, थोड़ा और करेक्शन हो सकता है आपको आईटी स्टॉक्स में नजर आए, और एशियन पेंट्स की जहां तक बात है 2700 के नीचे जाएगा तो स्टॉक ब्रेकडाउन दिखा देगा, अगर आपकी बाइंग है तो 2700 के स्टॉप लॉस आप होल्ड करें, कोई फ्रेश खरीदारी ना करें क्योंकि जिस हिसाब से क्रूड में अगेन बाउंस आया है तो थोड़ा बहुत आपको अगेन नीचे के लेवल्स एशियन पेंट्स में देखने को मिलेंगे, 2700 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अगर आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है, फ्रेश खरीदारी कराए एशियन पेंट्स में नहीं है, और आईटी में एक डिस्क्लेमर और दे दूं, एचसीएल टेक में मैंने खरीदारी की राय दी थी शो के शुरुआत में, तो एचसीएल टेक में आप बुलिश बेट ले सकते हैं, 1120 1140 के टारगेट आपको एचसीएल टेक में देखने को मिल सकते हैं। राइट, आईटी में एचसीएल टेक्नोलॉजीज अच्छा लग रहा है, इसको आप अपने रडार पर रख सकते हो। कुछ और सवाल लेते हैं जिसमें एवेन्यू सुपरमार्ट और एचयूएल, अरुष जी पूछ रहे हैं फॉर वेरी लॉन्ग टर्म ये क्या डीमार्ट का शेयर और हिंदुस्तान यूनिलीवर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए डीमार्ट पे तो काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं पर जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए थे कमेंट्री थोड़ी मार्केट के एक्सपेक्टेशन के बिलो थी तो उसी वजह से स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, पर एक्यूमुलेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, मंथली सपोर्ट के आसपास है, 3300-3200 का जो लेवल है मंथली सपोर्ट है, तो करंट लेवल से एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ट्रेडिंग ना करें 1 से 2 दिन या 5 दिन या 7 दिन की अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वैसा स्टॉक फिलहाल नजर नहीं आ रहा, इसलिए ट्रेडिंग अवॉइड करें, एक्यूमुलेशन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली रख सकते हैं, 3300 के आसपास 3200 के आसपास मिलता है तो और बेहतर लेवल रहेगा, वहां पे आप बाई करके चले, तो डीमार्ट में आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, मुझे लग रहा है डीमार्ट आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है, जहां तक एचयूएल की बात है एचयूएल का चार्ट भी मुझे काफी बेहतर लग रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी कल आपको देखने को मिला, तो एचयूएल में अगर आप ट्रेडिंग बेट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, 2600 तक का लेवल्स आपको एचयूएल में भी देखने को मिलेंगे, 2500 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, दोनों में ही कंपेयर करें, मुझे लग रहा है एचयूएल आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में भी मुझे लग रहा है स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा, तो एचयूएल अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और डीमार्ट अगर लॉन्ग टर्म या थोड़ा 2 से 3 साल का व्यू है तो धीरे धीरे एक्युमुलेट करें। राइट, टाटा पावर पे क्या करना चाहिए, इस बार एवरेज कर लें 170 शेयर से 213 ऑलरेडी इनके पास पोर्टफोलियो में 213 के भाव पे, और ये शेयर टाटा पावर बड़ी बुरी तरह पिटा है, वैसे आज ना एक खबर है टाटा पावर पे कि एनएलसी इंडिया के लिए ये एक 300 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है वो बनाने जा रहे हैं, उसके लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सब्सिडरी को मिला है 1755 करोड़ रुपए का, इनकी सब्सिडरी को मिला है ये कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन स्टॉक में ब्रेकडाउन आया हुआ है, क्या करना चाहिए सर इसमें। जी ऑलरेडी काफी पोजीशंस क्लाइंट्स की फंसी हुई है, हमने भी काफी बार इसी स्टॉक पे डिस्कस किया, हमारे क्लाइंट्स की पोजीशंस ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली स्टॉक में रहेगी क्योंकि स्टॉक यूजुअली हम इन्वेस्टमेंट के लिए भी रिकमेंड करते हैं, पर शॉर्ट टर्म की जहां तक बात है 190-192 के नीचे मेजर ब्रेकडाउन कल के सत्र में आया, उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए एवरेजिंग फिलहाल अवॉइड करें, हो सकता है आपको और थोड़े नीचे के लेवल्स देखने को मिले, चूंकि ब्रेकडाउन जो आया है वो एक्सपायरी के आसपास आया तो थोड़ा आपको और रुझान नीचे का लेवल देखने को मिलेगा, एक चीज पे जरूर ध्यान दें जैसे ही स्टॉक 192-195 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो अगेन ये वापस अपने बुलिश टेरिटरी में चार्ट के ऊपर चला जाएगा, तो इस स्टॉक में आप एक चीज का ध्यान रखें जैसे ही 192-195 के ऊपर निकले देन आप एवरेजिंग की सोचें, हो सकता है वहां से आपको फ्रेश मोमेंटम अगेन जनरेट होता हुआ नजर आए, चूंकि शॉर्ट टर्म नेगेटिव है तो करंट लेवल पे एवरेजिंग की सलाह नहीं है, अगर आप आपकी पोजीशंस एफएंडओ में है ऑप्शंस में है तो 180 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, 180 के नीचे जाएगा तो और बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, और बाउंस भी आया तो 195 के ऊपर निकलना ही थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस वाले स्टॉक के लिए। अभी अश्विनी कुमार जी पूछ रहे हैं शोभा का शेयर है 520 पर लिया हुआ है, अभी 420 हो गया, 100 रुपए साफ हो गए, वैसे शोभा रियल अंडर परफॉर्मर बन गया सर रियल एस्टेट स्पेस में, अभी स्टॉक में क्या करना चाहिए।
थर्ड क्लियर एग्जिट की राय रहेगी। ओवरऑल वॉल्यूम्स काफी हैवी है, लास्ट चार दिन पांच दिन से अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम भी देखें, इवन लास्ट 10 डेज की वॉल्यूम भी देखें तो काफी हैवी सेलिंग स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो मुझे लगा अगर मार्केट में रिकवरी भी आती है, थोड़ा बहुत ऊंचा मिलता है 450 तक भी आता है तो एक बार का एग्जिट कर ले। मुझे लग रहा है स्टॉक में वापस 480-500 के लेवल फिलहाल देखने हुए नजर नहीं आ रहे, तो जो भी माइनर लॉस हो रहा है 40-50 रुपए का पर शेयर का लॉस हो रहा है, 450 भी मिलता है तो वहां पे एक बार का निकल जाए। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से अगर मार्केट में रिकवरी नहीं आती है तो काफी बड़ा डाउनफॉल दिखा सकता है, तो एक चीज का ध्यान रखें 450 के आसपास आता है तो स्टॉक से डेफिनेटली निकल जाए। प्रवेश जी पूछ रहे हैं टीसीएस का क्या सीन है, 3325 के लेवल पे उन्होंने ले रखा है टीसीएस। तो जी टीसीएस का स्टॉक भी काफी अच्छा है, ओवरऑल सपोर्ट के आसपास है। अगेन एक ही ट्रिगर है, जो यूएस में क्राइसिस चल रहा है वो न्यूज कब कहां से आ जाती है ये कोई नहीं बता पाएगा, जैसे ही न्यूज आती है अगेन आईटी स्टॉक्स में सेलिंग आ जाती है। तो चार्ट तो ओवरऑल पॉजिटिव है, चार्ट में अभी भी कोई नेगेटिविटी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, पर जहां तक एक्युमुलेशन की बात है मुझे लग रहा है 3100 से 3000 का जो लेवल है वो नेक्स्ट एक्युमुलेशन जोन आपको नजर आएगा, क्योंकि इनकी बाइंग 3300 के आसपास है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है फर्स्ट एडिशन के लिए थोड़ा वेट करें, थोड़ा नीचे आता है तो और ऐड करें, क्योंकि अभी भी जो दिक्कत यूएस से आ रही है वो अभी भी हो सकता है आने वाले दिनों में और आपकी थोड़ी बढ़ती हुई नजर, इसलिए 3000-3050 के पास आता है तो वहां पे और ऐड करें। फिलहाल कोई एडिशन की राय नहीं है क्योंकि इनकी बाइंग 3300 के आसपास है, तो नीचे और थोड़ा आशा है 2-3% आता है तो वहां पे एवरेज करके चल सकते। अश्विनी धीरन जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, जिंदल स्टील, इनके तीन सवाल है, जिंदल स्टील के ऊपर पहले पूछ रहे हैं जेएसपीएल पे आपकी राय क्या है सर। देखिए रजी ओवरऑल मेटल स्टॉक्स पे देखें तो मेटल स्टॉक्स में जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है जिंदल स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, क्योंकि दोनों में आउट परफॉर्मेंस थोड़ा देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील भी सपोर्ट के आसपास है, अगर आप जिंदल स्टील को बाय करना चाहते हैं तो करंट लेवल पे करके चल सकते हैं। नीचे में 522 का स्टॉप लॉस लगाए, 570-575 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बेस मेटल्स में थोड़ा उछाल के रुझान नजर आ रहा है, कॉपर में भी थोड़ा उछाल का रुझान नजर आ रहा है, तो हो सकता है थोड़ा मोमेंटम आपको अच्छा होता हुआ नजर आए, तो खरीदारी ट्रेडिंग के लिए करना चाहे तो कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड करें। 522 का स्टॉप लॉस लगाए, 570-575 का ऊपर में टारगेट। दूसरा है अपोलो टायर, इसमें क्या करना चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि मिड कैप में अगर वापसी हुई तो अपोलो टायर भी कर लेगा। ठीक है टायर स्पेस में रजत जी ये काफी बड़ा आउट परफॉर्मर है, ओवरऑल बालकृष्णा देखें या जेके टायर देखें अभी भी वो साइडवाइज नजर आ रहा है, पर अपोलो में अभी भी रुझान पॉजिटिव है। 300 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 300 का मैं स्टॉप लॉस इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि लास्ट 2 या 3 महीने के जो लोग है वो 300 के आसपास के ही है, तो सपोर्ट के आसपास है तो करंट लेवल पे बाय करके चलें। 300 का स्टॉप लॉस लगाएं, 335-340 ऊपर में टारगेट आपको अपोलो टायर में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑटो सेल्स ड्यू है कल या परसों में, आपको ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आते हुए नजर आएंगे, तो ऑटो एंसिलरी में भी आपको थोड़ा मोमेंटम आपको हो सकता है नजर आए, तो 300 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें या बाय करके चल सकते हैं, 340-345 के ऊपर में टारगेट। देखिए अमाराजा बैटरी, अश्विनी धीरन जी पूछ रहे हैं अमाराजा बैटरी पे क्या करना चाहिए। रे जी ओवरऑल बैटरी स्पेस पे देखें तो दो ही स्टॉक वैसे तो लिस्टेड है, अमराजा और एक्साइड, तो अमराजा पे वैसे तो फिलहाल बाइंग की राय नहीं है क्योंकि चार्ट अभी भी नेगेटिव है और काफी हेपजॉन माइनस से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पर जहां तक इसके पीयर की बात है एक्साइड में हमने जरूर रिकमेंडेशन की राय दी है और 175-176 के आसपास करंटली चल रहा है, तो एक्साइड आप बाई करके चले, अमराजा फिलहाल के लिए अवॉइड करें क्योंकि चार्ट अभी भी नेगेटिव है। एक्साइड करंट रेट पे बाई करें, 172 का स्टॉप लॉस लगाएं, 188 के टारगेट्स आपको एक्साइड में पोजिशनल बेसिस पर देखने को मिलेंगे। अमराजा अगर आपने बाई करके नहीं रखा है तो अवॉइड करें, इसी स्पेस में रहना है तो मुझे लग रहा है एक्साइड आप करंट लेवल पे बाई करके चल सकते हैं। ओके रोहित गुलाटी जी पूछे अदानी ग्रीन के ऊपर प्लीज कमेंट कर दीजिए, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी है लेकिन अदानी ग्रीन पे अभी वो दिखाई नहीं दे रही, 2500 रुपए मुनाफा वसूली है 3 ट्रेडिंग सेशन से, क्या करना चाहिए स्टॉक पे। देखिए राजेश जी वैसे तो चार्ट को यूजुअली ये स्टॉक वैसे तो फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि अपर सर्किट्स लोअर सर्किट्स का व्यू है, पर जहां तक नेक्स्ट सपोर्ट की बात है सपोर्ट काफी दूर है, 800-820 के आसपास का नेक्स्ट सपोर्ट नजर आ रहा है चार्ट के ऊपर, अगर आपकी बाइंग है तो 800 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। स्टॉप लॉस मैं इसीलिए दे रहा हूं और काफी दूर का दे रहा हूं क्योंकि वोलेटिलिटी और स्टॉक में मोमेंटम जो आ रहा है 4-5% का यूजुअली डेली आ रहा है, तो 800 के नीचे जाता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाए, जब तक कि स्टॉक 800 का लेवल नीचे में क्रॉस नहीं करता होल्ड करें, 800 का स्टॉप लॉस 800 के नीचे जाता है तो अपनी पोजीशन से स्टॉक से निकल जाए, क्योंकि ये स्टॉक ओवरऑल नेगेटिव है, ओवरऑल अपर सर्किट लोअर सर्किट का रुझान है, तो स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें और फ्रेश खरीदारी स्टॉक में फिलहाल के लिए होल्ड। सर पेटीएम 270 स्टॉक्स हैं, 670 की बाइंग है एक व्यूअर की, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, आपको ये कैसा लग रहा है, मैं फिर 670 के लेवल पे बाय कर रखा है उन्होंने।
जी पेटीएम में पेटीएम का चार्ट फिलहाल तो अगर शॉर्ट टर्म देखे तो थोड़ा पॉजिटिव है, ओवरऑल RSI MSCI भी देखे तो पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो पेटीएम में हो सकता है आपको उछाल थोड़ा नजर आए क्योंकि स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस है, न्यूज फ्लो काफी पॉजिटिव अभी भी आते हुए नजर आ रहे हैं, तो 660 तक हो सकता है आपको वापस स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आए। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 610 के नीचे लगाना है, 610 के नीचे जाएगा तो आपको शॉर्ट टर्म पोजीशंस को एग्जिट कर लेना है, इसलिए स्टॉक में शॉर्ट टर्म व्यू में डेफिनेटली दे सकता हूँ 610 का स्टॉप लॉस लगाएं, 660 670 ये दो टारगेट्स आपको पेटीएम में देखने को मिल सकते। सर एस कुमार जी पूछ रहे हैं LIC के IPO में बने हुए हैं, IPO से खरीद रखा है, 24 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और उसके बाद तो खैर उनका दुख दर्द तो उन्होंने लिख ही दिया है, लेकिन अभी प्लीज बताएं ये LIC में कुछ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से पिट चुका है, इस बार रिजल्ट सीजन में कुछ उम्मीद करें, दिख तो नहीं रहा चार्ट पे। देखिए रे जी चार्ट पे तो डेफिनेटली नहीं दिख रहा है जैसे कि आपने भी कहा, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो काफी कम है, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है तो चार्ट तो डेफिनेटली नेगेटिव है, तो बड़ा रुझान चार्ट पे बाउंस का अभी भी नजर नहीं आ रहा, सेलिंग में भी आपको नीचे में वॉल्यूम्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से एज अ डिस्क्लेमर अगेन मैं कहता यही कहना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अब तक हमने होल्ड की राय दी है क्योंकि टेक्निकल व्यू हम यूजुअली स्टॉक में नहीं दे पाएंगे क्योंकि चार्ट काफी कम है और टेक्निकल राय भी हम किसी भी क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के लिए नहीं दे रहे, तो एज अ डिस्क्लेमर एक चीज मैं जरूर रिपीट करूंगा, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो करंट लेवल से भी होल्ड करने की राय है, स्टॉप लॉसेस कुछ नहीं आएंगे नीचे में क्योंकि लोस के आसपास ही चल रहा है तो नए स्टॉप लॉसेस का देने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए बाय किया है चूंकि मेजरली सभी के IPO में आया है और हमारे क्लाइंट्स के भी IPO में ही स्टॉक्स लगे तो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से होल्ड करने की सलाह है, एग्जिट की सलाह अभी नहीं है और नई खरीदारी की सलाह भी नहीं है क्योंकि स्टॉक में अभी भी नीचे का रुझान जारी है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने लिया है तो होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करंट लेवल से भी अवॉइड करके चले क्योंकि स्टॉक में अभी भी कोई रिवर्सल का संकेत अभी भी नजर नहीं है। अच्छा फिर इस वाले स्टॉक में क्या हो रहा है, ये मैं कल देख रहा था, दैट वाज PB फिनटेक, माना बहुत ज्यादा तेज हो गया, पिछले सत्र में भी एकदम से तेजी आई थी, बहुत ज्यादा ओवरबॉट लगता है मुझे तो, एकदम से तेजी पकड़ रहा है, लेकिन अभी ये ना इसने ट्रेंड पलटा है ये समझ में आता है मंथली चार्ट पे, ये बहुत जबरदस्त तरीके से टूट रहा था PB फिनटेक पॉलिसी बाजार, ये चढ़ता चला जा रहा है, न्यूज फ्लो तो अभी डोमिनेट करना शुरू किया ही नहीं है, 623 624 अचानक से इसको क्या हो गया जी? दो चीजें हैं, एक तो जो ऑनलाइन पॉलिसीज है वो काफी इस क्वार्टर में या मार्च में काफी बेहतरीन करते हुए नजर आ रहे हैं, ओवरऑल जो मार्केट में बातें चल रही है और जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं उस हिसाब में इनके बिजनेस काफी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड है, ओवरऑल जो जनवरी से मार्च का रिजल्ट है वो भी एक मेजर ट्रिगर है स्टॉक में ऊपर जाने का, ज्यादा टेक्निकल की बात है अगेन ये भी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है तो भी बड़ा टेक्निकल लेवल नजर नहीं आता, पर शॉर्ट टर्म में देखें तो 670-660 के लेवल्स आपको PB फिनटेक में देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस अगर आपने बाइंग करके रखी है तो 590 के नीचे लगाएं, मुझे लग रहा है 660-680 के लेवल्स आपको हो सकता है अप्रैल महीने में स्टॉक में देखने को मिले, हो सकता है हफ्ते 10 दिन में भी आपको वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो 590 के स्टॉप लॉस आप होल्ड करें, 660-680 दो टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ट्राइडेंट 34 पर बाय किया हुआ है 15 मंथ के लिए, कर रखा है कि कर चुके हैं, पर एक व्यूअर पूछ रहे हैं कि ट्राइडेंट पे क्या करना है। जी ट्राइडेंट अगेन काफी लोगों के क्वेश्चंस इस पे आ रहे हैं और काफी बड़े ब्लॉक डील्स भी कल आपको ट्राइडेंट में देखने को मिले, तो नई खरीदारी की राय अगेन ट्राइडेंट में भी नहीं है क्योंकि ओवरऑल चार्ट जो है अभी भी नेगेटिव है, नीचे में 24 से 23 के आसपास के लोस रिसेंटली ये स्टॉक ने बनाए थे, एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो किसी भी उछाल पे एग्जिट करें, कोई बड़ा पॉजिटिविटी अभी भी स्टॉक में नजर नहीं आ रही, स्टॉप लॉस जो नीचे में रखना है वो 24 से नीचे जरूर लगा करके, 24 के नीचे जाएगा तो नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, तो नई खरीदारी की राय नहीं है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो किसी भी उछाल पे एग्जिट करें, नीचे में स्टॉप लॉस 24 के नीचे लगा कर। प्रवीण जी पूछ रहे हैं CG पावर पे व्यू दे दीजिए। देखिए रंजीत CG पावर ओवरऑल चार्ट अभी भी पॉजिटिव है, कल के सत्र में बड़ा ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिला, 305 की क्लोजिंग है तो 320-325 के लेवल आपको CG पावर में देखने को मिल सकते हैं, 297 का स्टॉप लॉस लगाए, कई पोजीशंस भी आप बाय करके चल सकते हैं 297 के स्टॉप लॉस के साथ, 325-330 ये दो टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। कर्नाटका बैंक कैसा लगता है? व्यूअर जो है वो है श्रीनाथ जी, वो पूछ रहे हैं 135 के भाव पे 100 शेयर्स उन्होंने ले लिए कर्नाटका बैंक के। जी कर्नाटका बैंक सपोर्ट के आसपास है, 125 के आसपास का सपोर्ट है, वहीं से थोड़ा बाउंस भी कल के सत्र में नजर आया, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो 125 के स्टॉप लॉस आप होल्ड करें, 140-142 तक के लेवल्स हो सकता है आपको थोड़ा एक्सटेंड होता हुआ नजर आए, क्योंकि स्टॉक जो ओवरऑल स्टॉक है वो सपोर्ट के आसपास है इसलिए होल्डिंग की राय है, 125 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, 140-142 ये दो टारगेट्स अगर आप उसी के आसपास मिलते हैं तो आप अपने अपनी पोजीशन से निकल जाए। चंदन कुमार जी पूछ रहे हैं विप्रो है लेकिन 416 के भाव पे है,
सर यही तो है रेजिस्टेंस विप्रो का, एक मिनट में फिर से देख लेता हूँ। 416 तो बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है ही, 415 के ऊपर तो टापता नहीं है स्टॉक। सर अभी क्या करना चाहिए, पहुंच गए 359, ये उम्मीद है कि वापस से 415 416 के जोन तक कूच कर जाएगा इस रिजल्ट सीजन में? देखिए रजत जी, स्टॉक के लिए 340 से 350 वो नीचे में आखिरी उम्मीद है। अगर स्टॉक को वहां से रिवर्सल करना है तो 340-50 के आसपास से रिवर्सल करना है, कोई इसका नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऊपर में 380 मुझे नहीं लग रहा है स्टॉक आपको इजीली क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। 380-385 ये दो रेजिस्टेंस के लेवल्स है, तो वहां पे आता है तो अपनी पोजिशन से एक बार निकल जाए। मुझे नहीं लग रहा इजिली ये 400 के आसपास की क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। इसमें एक ये ट्रेड करके चल सकते हैं, 340 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। ऊपर में 380 के आसपास आता है, 380-400 के बीच में भी मिलता है, तो आप अपनी पोजीशन से निकल जाए। कोई बड़ा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक से आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये एक बार रेणुका शुगर देख के बता दीजिए, रोहित नेगी जी पूछ रहे हैं, 1000 शेयर है 46 के लेवल्स पे ले रखे हैं, वो पूछ रहे हैं स्टॉप लॉस बता दीजिए, चार्ट पैटर्न्स बता दीजिए, और उसके बाद का नहीं पता जो लिखते हैं, पर वो कह रहे हैं कि 1000 शेयर्स हैं 46 के भाव पे। और एक खबर और आई है, इन्होंने ना अपने दो प्लांट्स पे इथेनॉल की क्षमता बढ़ा दी है रेणुका शुगर ने, और आप ये देखो कि कल के सत्र में मतलब बुधवार के सत्र में ये जो चढ़े थे शुगर स्टॉक्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से चढ़े थे, रेणुका पे आज पॉजिटिव खबर है, क्या इनके 46 के भाव आ जाएंगे सर? रे जी उनके भाव आने के संकेत को मिल रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो डाइवर्जेंस थोड़ा नजर आ रहा है, पर स्टॉप लॉस जरूर रखें। 39 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मंथली सपोर्ट जो आ रहा है 39 के आसपास आ रहा है, 48-49 का इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जहां पे इनकी बाइंग है, तो हो सकता है इनके प्राइस आपको अगेन देखने को मिल सकते हैं। 39 के स्टॉप लॉस का होल्ड करें, 48 से 49 ये दो टारगेट्स आपको रेणुका में देखने को मिल सकते हैं। चूंकि वॉल्यूम्स थोड़े बेहतर हुए हैं और ओवरऑल जो थोड़ा डाइवर्जेंस मुझे नजर आ रहा है, तो इनके प्राइसेस आपको मुझे लग रहा है इनको वापस देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करें 39 का फाइनल स्टॉप लॉस लगा के। ओके और सर ये एक है पॉलीकैब में, क्षितिज कुमार जी पूछ रहे हैं इसमें बाय लेवल कौन सा होगा, एक बार आप पॉलीकैब के चार्ट्स देख के बताएं, अभी चल रहा है ये 2856, ये बाय हो गया क्या, ये बहुत ही तगड़ी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर गया है तो? जी डेफिनेटली बाइंग लेवल के आसपास ही है, 2800 से 2850 जो है इसका बाइंग लेवल है, क्योंकि प्रीवियस ब्रेकआउट जो आया था वो 2800 के आसपास ही आया, तो करंट लेवल जो है वो बाइंग के लेवल ही है 2800-2850 के बीच में। अगर आपको कभी भी मिलता है वो बाइंग लेवल आप मान के चल सकते हैं। 2940-2950 के लेवल्स आपको ऊपर में पॉलीकैप में देखने को मिल सकते हैं, तो करंट लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। 2900 से 2950 ये दो लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में पॉलीकैप में देखने को मिल सकते हैं। ओके और कुछ एक बार थोड़े से और स्टॉक्स ले लेते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे व्यूज में वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। बंधन बैंक के ऊपर एक सवाल आया हुआ था, बंधन बैंक पे क्या करना चाहिए, मैं व्यूअर ने कोई लेवल नहीं लिखा है सिर्फ वो पूछ रहे हैं बंधन बैंक के ऊपर आपका व्यू। जी बंधन बैंक अगर आप किसी के पास होल्डिंग है तो अगर 200-210 भी आता है तो वहां पे एग्जिट करने की राय रहेगी। अंडर परफॉर्मेंस काफी हैवी है, ओवरऑल चार्ट भी नेगेटिव मुझे नजर आ रहा है, 210 के लेवल्स ऊपर में पार करते हुए भी नजर नहीं आ रहे, तो 200-210 भी अगर मार्केट के रिकवरी के साथ आता है तो अपने पोजीशन से निकल जाए। मुझे लग रहा है कोई बड़ा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक से देखने को नहीं मिलेगा। ओके सर ये ना पीएसयू बहुत तेज भागे थे, पीएसयू बैंक्स, तो अभी सवाल आ रहा है एसबीआई, अशोक कुमार जी का 530 के भाव पे 20 शेयर्स, फिर यूको बैंक 1000 शेयर्स है 27 के लेवल पे, दुबे साहब के पास, तो ये यूको बैंक और एसबीआई इनके अलावा कोई भी पसंद है तो भी बता दीजिए। जी एज ए डिस्क्लेमर एक चीज मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, कैनरा बैंक हमने कल भी रिकमेंड किया है, इन एसबीआई भी लास्ट शो में हमने रिकमेंड किया था, एसबीआई भी करंट लेवल से काफी बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि एसबीआई कैनरा बैंक ओवरऑल लीडर्स है ओवरऑल पीएसयू बैंक में, तो वो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। कैनरा बैंक में 294-295 के लेवल्स जरूर देखने को मिलेंगे, तो जैसे कि इन्होंने इनकी बाइंग एसबीआई और यूको में है तो दोनों को ही होल्ड करके चले। एसबीआई में 540-45 के लेवल्स इनको देखने को मिल सकते हैं, यूको बैंक जो है उनको उसमें स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, जो करंट लेवल जो स्टॉप लॉस निकल के नजर आ रहा है वो 22 के आसपास है, तो यूको बैंक में 22 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। अगर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं मुझे लग रहा है कैनरा बैंक का स्ट्रक्चर मजबूत है, 292-295 के लेवल्स कैनरा बैंक में देखने को मिल सकते हैं, 275 के स्टॉप लॉस कैनरा बैंक को भी बाय करके चल सकते हैं। ओके बिरला कॉर्प के ऊपर भी सवाल आया हुआ है सर, बिरला कॉर्प पे क्या करना चाहिए, महिमा सिद्धू जी पूछ रहे हैं। जी बिरला कॉर्प अगर आप देखें थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में भी है, जिस हिसाब से सीमेंट में तेजी आई स्टॉक में अभी तक तेजी नहीं आई, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो इसको आप होल्ड करके चल सकते हैं। 850 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, नई खरीदारी की राय फिलहाल अभी भी नहीं है, जब तक ये स्टॉक 920-930 के ऊपर नहीं निकलता कोई बड़ी खरीदारी की रुझान अभी भी नजर नहीं आ रहा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो होल्ड करें, 850 का स्टॉप लॉस लगाए।
920 तक हो सकता है आपको एक रैली एक्सटेंड होती हुई नजर आए, अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस वहां पे भी है तो वहां से एग्जिट करके निकल जाए। सीमेंट पैक में रहना है तो श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक और जेके सीमेंट, ये तीनों स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से बड़ा आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाते हुए नजर आ सकते। अरुण जी आपको पता है क्या कमाल हुआ आज, 17,210 की ओपनिंग देखने को मिल रही है, 17,210। तो जो ब्रेकआउट जो हम बोल रहे थे सुबह मॉर्निंग शो में कि अगर हुआ तो बड़ा तगड़ा जाएगा इस बार निफ्टी ऊपर, और ये दोस्त सत्रों से अमेरिकन मार्केट इशारा दे रहे हैं कि भैया हम तो होलिए तेज, अब आपकी बारी। तो पिछला स्विंग मैं बता दूं कि 17,207 का है, उससे पहले 17,205 का है, खुल रहे हैं 17,210। सर ये स्विंग लेवल्स अभी 17,225 तो हम क्लोजली ट्रैक कर ही रहे हैं, ये तो जाहिर बात है 17,225 के ऊपर ही कुछ कोशिश करेंगे तेज पकड़ने के लिए, लेकिन ये तो गैप अप ही हो गया 129 पॉइंट्स का, पिछले सत्र में 129 पॉइंट्स बढ़े थे तो गैप अप भी 129 दिखा रहा है। आपके यहाँ क्या दिखा रहे हैं, क्या मेरी कुछ स्क्रीन कुछ ज्यादा तो नहीं हुई, मतलब इतनी अंडर परफॉर्मेंस के बाद 13 सत्रों के बाद एकदम से इतनी तेजी आती ना, तो वैसे ही ट्रेडर्स नर्वस हो जाते हैं। अब देखो जिनकी पोजीशन है वो कितने नर्वस होंगे जिन कॉल राइटर बन के बैठे हैं 17,200 के लेवल पे, 17,100 के लेवल पे, 17,100 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग थी, 17,080 के लेवल की क्लोजिंग, ओपनिंग हो रही है 17,210, टूल तो पकड़ गए हैं, ये ओवरबॉट हो जाएंगे क्या अचानक से, या फिर यहां से एकदम से आएगी शॉर्ट कवरिंग? अरे जी ओवरऑल जिस हिसाब से क्लोजिंग अगर हो रही है, फर्स्ट हाफ एन आवर भी अगर टिक जाता है मार्केट तो कॉल राइटर्स काफी बड़ा ट्रैप हो सकते हैं, पर फर्स्ट हाफ एन आवर में भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं आता तो मुझे अगर जो कॉल राइटर्स 17,100 के पास बैठे थे जो रेजिस्टेंसेस के आसपास से अगर वो ट्रैप हो जाते हैं तो वही मार्केट को आज 17,300 तक खींच के लेके जा सकते हैं, जो कि मैंने कहा कि इस सीरीज का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो ट्रैप जरूर होंगे अगर ये फर्स्ट हाफ एन आवर भी टिक जाता है मार्केट तो आपको 17,100 के जो कॉल राइटर्स है वो जरूर ऊपर में और 100 पॉइंट की तेजी आपको आज या कल के सत्र में दिखाते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लग रहा है अगर मार्केट थोड़ा भी टिक जाता है तो कॉल राइटर्स के लिए काफी मुश्किल दिन हो सकता है आज के। मुश्किल क्या भयंकर ही ना हो जाए, बस ये है कि अगर चलो अच्छा सर नीचे अगर 17,150 के आसपास आए, कौन से लेवल के आसपास आए कि फिर से खरीदारी कर सकते हैं? 17,120 से 17,150 जो कि जो ब्रेकआउट लेवल मैंने कहा था, अगर उसी के आसपास वापस आता भी है इंट्राडे में तो बाई करके चल सकते हैं, इंट्राडे में वापस आपको हो सकता है रिट्रेसमेंट नजर आए। बेस्ट लेवल अगर आप चार्टिकली बात करें तो 17,100-120 ये बेस्ट लेवल होगा आपको एंट्री करने के लिए। अच्छा फिर धमाका हुआ कहां पर है, ये ऐसा क्या हो गया मार्केट में जो एकदम से तेजी पकड़ ली? देखो रिजल्ट सीजन के चलते ये तो पता है, आरबीआई पॉलिसी आने वाली ये भी पता है, उससे पहले एकदम से खरीदारी होती हुई नजर आएगी, लेकिन खरीदारी बहुत उग्र है, बहुत ही तेजी से, और सिर्फ दो ट्रेडिंग सेशन में आई है। अच्छा ये जो हम बैंक निफ्टी बोल रहे थे 40,200 टूटेगा कि नहीं, खुल ही रहा है 40,231, तो ये तो 40,200 के ऊपर खुल गया, अभी क्या करना चाहिए? जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन राइटर्स हैं वो क्या करें, तसल्ली उनको उनको थोड़ी तसल्ली की जरूरत है जी। डेफिनेटली दोनों ही रेजिस्टेंस जो हमने बात की है 17,150 40,200 उसी के ऊपर या उसी के आसपास खुल रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में भी है। मैं अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर फर्स्ट हाफ एन आवर मार्केट टिक जाता है तो कॉल राइटर्स के लिए काफी मुश्किल दिन होगा आज, हो सकता है उनकी पोजिशन काफी बड़ी स्ट्रक होती हुई नजर आए। ओवरऑल जो रुझान है वो पॉजिटिव है, रिलायंस बैंक निफ्टी दोनों ही मुझे लग रहा है काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं आज, तो निफ्टी के कॉल राइटर्स और बैंक निफ्टी कॉल राइटर्स दोनों के ही मुश्किल दिन रह सकता है। फर्स्ट हाफ एन आवर अगर नहीं निकलता है तो बेटर है, फर्स्ट हाफ एन आवर अगर टिक जाता है मार्केट तो हो सकता है रैली और आपको एक्सटेंड होती हुई नजर। मैं आपको बताता हूँ सेक्टर्स देखो, आईटी, मेटल और बैंक्स, अगर ये तीन तेज हो गए तो सरेंडर ना हुआ फिर बाजार, फिर बाजार में एक नया खेल शुरू होगा, और आज ओपनिंग तो जो हो रही है उसके बाद देखते हैं क्लोजिंग कैसे होती है। आज के सत्र की अगर क्लोजिंग होगी ना 17,200 के लेवल के ऊपर तो फिर असली एक्शन शुरू होगा। चलो अभी तो तेज खुल गए हैं, थोड़ी पोजीशन एडजस्ट होंगी, हम देखेंगे आराम से पिक्चर बैठ के आधा घंटा एक घंटा, उसके बाद अगर एक क्लोजिंग होने हुई ना अगले 6 घंटे बाद की भैया 17,200 के लेवल के ऊपर चढ़ के क्लोजिंग हो रही है फिर कल मजा आने वाला है। चलो ठीक है ये वीकली क्लोजिंग है, थोड़ा सा पोजीशन थोड़ी एडजस्ट होती नजर आएंगे, अप्रैल सीरीज का पहला दिन है तो देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करते हैं। वैसे सर अप्रैल सीरीज से उम्मीदें होती हैं अक्सर बाजार, ये 3 महीने हो गए बाजार को वन वे ट्रैक पर टूटते हुए, ये चौथा महीना जो टूट रहे थे ये तो अभी एकदम से तूल पकड़ लिया, लेकिन 4 महीने से टूट रहा था, तो अप्रैल सीरीज से उम्मीद रखें पॉजिटिव? देखिए डेफिनेटली उम्मीद तो है, मेरी उम्मीद यही है कि चूंकि 3 सीरीज से कंटिन्यूस मार्केट गिर रहा है, कोई बड़ा डोमेस्टिकली अगर आप देखें इंडिया के तरफ से देखें तो कोई नेगेटिविटी अभी भी नहीं है, अभी भी सब पॉजिटिव है। जो भी मार्केट में नीचे गिरावट आई थी ग्लोबल कंसर्न्स की वजह से ही आई थी, और 2 दिन के क्यूज आज मार्केट को पहचाने हैं इसीलिए आपको मार्केट 100-120 पॉइंट ऊपर आता हुआ भी नजर आ रहा है। तो अप्रैल सीरीज से उम्मीद तो ये है कि काफी पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जो 2 डेटा हम देखते हैं, जो डेटा जिसको ज्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं वो FIS की पोजीशन,
9% के आसपास की FIIs की लॉन्ग है, यहाँ से भी वो कितना नीचे खींच सकते हैं क्या क्वेश्चन वाली बात है। इसीलिए मुझे लग रहा है अप्रैल सीरीज अच्छी रहनी चाहिए। अगेन एक चीज डिस्क्लेमर के तौर पर कह दूं, तीन सेक्टर जो हमने रिकमेंड किए हैं सीमेंट बैंक्स और इंफ्रा, ये तीनों सेक्टर मुझे लग रहा है अच्छा कर सकते हैं आने वाले अप्रैल में। राइट, बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट पे अप्रोच बताने के लिए। मार्केट में तो आज जबरदस्त तेज देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद देखते हैं पोजीशन कैसे बनते हैं। ये थे अरुण मंत्री जी, और आपकी मदद कर रहे थे तकनीकी रूप से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में और आपके सवालों के ऊपर जवाब देने में। ऐसे ही अगर आप रोज इस शो का हिस्सा बने तो हर जो भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ता है उनसे आपको इंटरेक्ट करा जाता है और आपकी पोजीशन के ऊपर आपको एक्सपर्ट एडवाइस दिलाई जाती है। मेरे सहयोगी मेरे साथ में थोड़ी देर में मौजूद हो जाएंगे। उससे पहले मार्केट में आज लोअर लेवल से एक अच्छी करहदारी देखने को मिली, और हम यही बोल रहे हैं हमारी तो थी कल छुट्टी, लेकिन अगर आपने अमेरिकन मार्केट्स देखे होते तो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से कमाल हो रहा था, और सबसे ज्यादा कमाल तो नैसडैक में हो रहा था जहां पर 2.5-3% के आसपास की तेजी बन गई दो ट्रेडिंग क्षेत्रों में, और डाउ जोन्स 464 पॉइंट उछल गया था। जीडीपी के आंकड़े वहां कम आए हैं, घटकर आए हैं तिमाही आधार पर, लेकिन उसके बावजूद एकदम से तेजी पकड़ गए थे। और आज इंडियन मार्केट्स में 129 पॉइंट्स का तो गैप अप वैसे ही पक्का है कि होता हुआ नजर आएगा, 17,200 के लेवल के ऊपर खुलेंगे। मार्केट ओपनिंग हो चुकी है, तो तन्वी गुड मॉर्निंग, मैं आपके पास अभी आ रही हूं, पहले फटाफट से मार्केट देख लेते हैं, बिकॉज ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पॉइंट पे खुली है, और ये दिस वाज अ ह्यूज रेजिस्टेंस जो 13-17 का 12-17 का रेजिस्टेंस है, बिल्कुल वहीं पर ही खुले हैं 17,200 के लेवल पे। आज की ओपनिंग है 17,210, हाई लगा है 17,227। ऐसा बेहतरीन मौका है इस समय बुल्स के पास कि अगर यहां से तूल पकड़ गए तो इतने ज्यादा शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो पिछले सत्र में शॉर्ट कैरी करके गए हैं, रोल ओवर बना के गए हैं उल्टे मार्च सीरीज से अप्रैल सीरीज में, अगर यहां पर थोड़ी देर एक घंटा और टिक गए 17,180 17,220 के लेवल के ऊपर, तो उसके बाद तो आप ये समझो कि बाजार पे एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। और ये हमारी थीम भी आज की, कि आज के हो सकता है कि बाजार पे एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आए। अब चल रहे हैं 17,229, नहीं छोड़ रहे बुल्स, ये आज पूरी कसर निकाल देंगे अच्छे तरीके से, जो इतने दिनों से दबा के रखा हुआ था लगातार बाजार को, आज मौका आया है, और ये मौका एकदम से 17,220 के लेवल के 17,225 के लेवल के ऊपर है बुल्स के पास। जिनके पास पहली पोजीशन होगी आज की, वो 17,200 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। मंदी करने वाला मार्केट ये है नहीं दूर दूर तक, तो 17,200 के लेवल का लगाएंगे स्टॉप लॉस, और ये बिल्कुल तगड़ा रिवर्सल आज के सत्र में मार्केट का, जोरदार तेजी 163 पॉइंट से ऊपर निफ्टी, सेंसेक्स से ऊपर 600 पॉइंट्स, और आज की जो हमने थीम पकड़ी थी कि आज बाजार में ब्रेकआउट होगा, तो अभी शुरुआती सत्र में तो ऐसा हो रहा है कि भैया आज तो तेजी हुई हुई, और क्यों हो रही है वो, बिकॉज आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखो, अगर आईटी, मेटल, बैंक्स, एनर्जी सब चढ़ जाएं एक साथ तो समझो आज बाजार में खेल पक्का है। अब देखते हैं कि कहां पर जाके रुकते हैं, लेकिन अगला पड़ाव अभी तक तो निकाले थे, बिकॉज दिस वॉज अ ब्रेकआउट पॉइंट 17,225। अब आप ये देखो 17,225 कितने समय बाद क्रॉस हुआ, दैट इज 12 दिन बाद चढ़े हैं, 13वां दिन जो से पहले वाला था वहां पर बहुत ही तगड़ी गिरावट थी, लेकिन ये टोटल मिलाकर देखोगे तो 12 ट्रेडिंग सेशन जिसके बाद तगड़ी खरीदारी इंडियन मार्केट्स पे देखने को, एंड दिस इज ऑल ड्यू टू मेजर इवेंट्स, जो कि एक आरबीआई पॉलिसी अलाइंड है 6 तारीख को, और उससे उसी उसी के पास 6 तारीख को जीएम ब्रूवीज के नतीजे आएंगे, और उसके बाद फिर 13 को इन्फोसिस के नतीजे आएंगे। तो तिमाही नतीजों से पहले और आरबीआई की पॉलिसी से पहले एकदम से खरीदारी बनी है, और यूएस मार्केट्स तो कमाल ही कर रहे थे। जी बिल्कुल, अभी मैं आपकी चर्चा को सुन भी रही थी, तो उस दौरान ये समझ में आया कि आज कौन कौन से खास सेक्टर्स को बता रहे थे हमारे एक्सपर्ट की, उस पर आज हमें नजर रखनी चाहिए। अभी जिस वक्त मार्केट खुला है तो आपको क्या लगता है, क्या आपको लग रहा है कि जिन सेक्टर सीमेंट सेक्टर की बात हुई थी ये सब सेक्टर्स में अब एक्शन देखने को मिल सकता है आज के सेशन? जी हाँ, देखने को मिल सकता है, लेकिन ना आज आप बस अभी तक का पहले ये तो थोड़ा एक घंटा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि अभी ना पोजीशंस कटी नहीं, अभी तो हड़कम मचा असली, अभी पोजीशंस कटेंगी, 17,100 के कॉल राइटर्स 17,200 की कॉल राइटर्स जो है वो पोजीशंस छोड़ेंगे, तो उसके बाद लेटर हाफ में जो तेजी बनेगी वो अलग ही होगी देखने वाली, अगर बाजार यहां पर टिक जाता है, अंडरलाइन यही है, अगर तो दबाना हुआ बाजार को तो वैसे ही 17,300 की कॉल राइटिंग शुरू हो जाएगी, 17,200 की कॉल राइटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन आज हो नहीं पाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत समय बाद एक प्रेशर जो है वो बाजार से कम हुआ है। आप जो बोल रहे हो सेक्टर स्पेसिफिक, तो अभी तो मेरे को एनर्जी में रिलायंस इंडस्ट्रीज समझ, रिलायंस इंडस्ट्रीज खुली की 2.5% ऊपर गया, रिलायंस में खबर ये है कि जियो फाइनेंशियल का वो डीमर्ज करने वाले हैं, जियो फाइनेंशियल को एक शेयर के बदले एक शेयर के ऊपर, रिलायंस के एक शेयर के ऊपर जियो फाइनेंशियल का एक शेयर मिलने की बात की गई थी, और ऊपर से जब डीमर्ज होगा तो उसका लिस्ट भी होगा NSE BSE पे जियो फाइनेंशियल। अब कितने भाव पे होता है, 108 के भाव पे होता है, 110 के भाव पे होता है, वो बात अलग है, लेकिन जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर की खबर ही ड्राइव कर गई 2.5% रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर हो गया। इसके अलावा बैंक्स देखो तो बैंक्स में आज बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, आईसीआईसीआई,
इंडसइंड, एसबीआई सब ऊपर है, एचडीएफसी बैंक 1% ऊपर है, तो प्राइवेट बैंक्स में भी जोर है आज के सत्र में। तो पीएसयू बैंक्स तो वैसे ही रॉकेट बने हुए पिछले कुछ, अच्छा ऊपर से आज जो सबसे कमजोर तबका था मार्केट का दैट वाज आईटी, उसमें आप टेक महिंद्रा 2.25% ऊपर पाओगे, एम्फेसिस, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट 1.5% ऊपर पाओगे, 1.5 से 2% ऊपर। तो ये अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी है, जब ऐसी मार्केट होती है तो सरेंडर होता ही नहीं बाजार से। तो आज निफ्टी बाय है वैसे ही, तो आज निफ्टी पे ही बाय कॉल निकल के आएगी। तो आप बस अब देखो कि अब यहां से और कहां पर जाके रुकते हैं, बट दैट वाज अ ब्रेकआउट आज जो बाजार पे शुरुआती सत्र में। जी, और अडानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में अगर एक बार ओवरव्यू में मिल जाए फिर हम अपने ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। अडानी ग्रुप के तमाम स्टॉक्स हैं आज ऊपर, और आज के सत्र में अडानी प्राइसेस 4% चढ़ गया है। इनके ऊपर खबर ये थी कि दो माफ कीजिएगा तीन इंस्टीट्यूशंस के साथ ये बातचीत कर रहे हैं, और उसमें $1 बिलियन के फंड जुटाने के ऊपर बातचीत है। इंस्टीट्यूशंस है ब्लैक रॉक इनकॉर्पोरेशन, ब्लैकस्टोन इनकॉर्पोरेशन और पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। देखते हैं ये फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता है कि नहीं, लेकिन $1 बिलियन अगर दो चरणों में बॉन्ड जारी करके जुटा लिया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1800 के लेवल को दस्तक कर रहा है। अभी पॉजिटिव है, उतना पॉजिटिव नहीं है आज, ब्रॉडर मार्केट्स पे ज्यादा खरीदारी होती हुई नजर आएगी मुझे लग रहा है। तो आज फोकस एरिया फाइनेंशियल्स, मेटल्स, आईटी, मतलब बैंक्स, मेटल और आईटी रहेगा ऐसा लग रहा है मार्केट में। बहुत समय बाद तीनों सेक्टर एज अ होल चल रहे हैं ना, तो आज खरीदारी दिखती है और ये दिखता है कि दिस इज प्री रिजल्ट बाइंग एकदम से मार्केट पे जो हुई है। कहां 16800 तोड़ने की बात हो रही थी, कहां 16200 टूट गया ऊपर, तो ये मतलब 16800 की जगह 17200 टूट गया, 17200 के ऊपर तो बाजार अगर टिक गया यहाँ पर थोड़ा और, तो उसके बाद फिर कमाल ही हो जाएगा। चलिए, धीरे धीरे समय के साथ हमें पता चलेगा कि मार्केट किस ओर रुख कर रहा है। तब तक अपने व्यूअर्स को कुछ सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे व्यूअर्स का। और मनप्रीत जी पूछ रहे हैं कि जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड के उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, उसका थोड़ा सा वो एनालिसिस आपके जरिए करवाना चाहते हैं। जेएसएल के खरीदे हैं, तो जेएसएल इज बाय एंड डिप, वो थोड़ा सा करेक्शन आज तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी नजर रख लो। अच्छा, जेएसएल जो आपने खरीदे हैं उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बस हाल फिलहाल में थोड़ा करेक्टिव फेज में गया है, इट्स अ शॉर्ट टर्म करेक्शन। इन्होंने कितने भाव पे खरीदे हैं? जी, इन्होंने प्राइस लेवल तो कुछ नहीं बताया है, तो प्लीज अगर आपके पास है तो आप होल्ड करिए इस स्टॉक को जब तक ये 240-250 के लेवल के ऊपर मेंटेन रहेगा, ये बाय ही रहेगा। तो ये वैसे भी इट्स इन लॉन्ग टर्म ट्रेंड, पॉजिटिव ट्रेंड, तो इसको ऐड किया जा सकता है ऑन एनी डिप्स, डरिए घबराइए मत। जी, मकरान जी पूछ रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी के लिए इट्स अ बाय, और इसमें आज के सत्र में एक जो लेवल क्रॉस हुआ है दैट इज 54.90, उसके लेवल के ऊपर तो ठीक है ही, कोई बहुत बड़ी तेजी अभी एक्सपेक्टेड नहीं है बिकॉज इट्स कंप्लीटली पिछले कुछ दिनों से लगातार लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बना रहा है। तो अगर ये स्टॉक 56-56 के लेवल के ऊपर टिकना शुरू हुआ तब यहाँ पर असली तेजी बनेगी। मुझे लग रहा है कि अब इसको होल्ड करना चाहिए, बाजार का मूड माहौल थोड़ा ठीक हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर यहाँ से कैचअप करेगा तो 56-60 के आसपास जाके रुकेगा, और अगर 56-60-57 के लेवल को क्रॉस कर गया तब असली खेल होगा। होल्ड, अभी इसको होल्ड करके रखो इस बार। जी, अनुभव जी का सवाल है एनएमडीसी के बारे में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने 77 के प्राइस पर इसके शेयर्स खरीदे थे, अब क्या करना चाहिए? 77 तो अभी तो होल्ड ही कर लेना, इस बार होल्ड कर लो बिकॉज इस बार ना मार्केट का मूड माहौल थोड़ा ठीक होने जा रहा है। मैं एक बार इसके मंथली चार्ट देखता हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि मंथली पे कोई बहुत एग्रेसिव पोजीशंस बनी होंगी, तो अभी हायर साइड पर रेजिस्टेंस समझ में आता है 115-117 के ऊपर ही एक्टिव होगा ये, और फिर 121, तो अभी आपको होल्ड करना चाहिए। अगर आपको पोजीशन थोड़ी लाइट रखनी है इसमें तो 115-117 पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लो, फिर नीचे मिल जाएगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी डाउनसाइड एक्सपेक्टेड नहीं है स्टॉक में से अभी। जी, अगला सवाल ले लेते हैं हमारे व्यूअर मोहम्मद मोहसिन जी पूछ रहे हैं कैंपस कंपनी के बारे में। ये नहीं अभी चलने वाला, कोई बहुत एग्रेसिव तो नहीं होगा, बाउंस शो कर सकता है डेफिनेटली, लेकिन एकदम से बहुत तेजी पकड़ जाए ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज मंथली चार्ट्स आर नेगेटिव, और ये 354-355 के नीचे है ही नेगेटिव वैसे भी, तो अगर 354-355 क्रॉस करेगा तो उसके बाद खड़ा हो जाएगा ऊपर रेजिस्टेंस 400 के लेवल का, तो मुझे नहीं लग रहा, मल्टीपल रेजिस्टेंस है हायर साइड पे, मंथली चार्ट्स आर नॉट गुड, और ये समय लगाएगा अगले एक दो क्वार्टर समय लगाएगा, एक्यूमुलेट होगा उसके बाद कुछ सेट हो सकता है, लेकिन हम खरीद मतलब टच ही नहीं कर सकते अबव 420 लेवल्स पर भी सोच सकते हैं, उससे नीचे तो इट्स इन अ क्लियर कट डाउन ट्रेंड, कुछ नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो वो होल्ड कर सकते हैं, कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स ठीक हैं लेकिन अभी ना वो रिजल्ट्स में डिलीवर नहीं कर पाए, जिस तरीके की वैल्यूएशंस थी उसके चलते पिट गया है स्टॉक पोस्ट दिवाली। जी,
अजय सक्सेना जी पूछ रहे हैं डीएलएफ के बारे में, उनका सवाल है कि उसका बाइंग लेवल क्या हो। डीएलएफ का अगर बाइंग लेवल तो यही है जहां पर ये खड़ा है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस लेवल जो है वो है 335 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग, 335 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग इस स्टॉक के लिए खराब हो जाएगी। जब तक 335 के लेवल के ऊपर है तब तक बाई है ये स्टॉक, तो आप इसको किसी भी डिप में ऐड कर सकते हो। इट्स अ गुड स्टॉक टू हैव इन योर पोर्टफोलियो, और मुझे लग रहा है यहां से अभी तेजी पकड़ने को तैयार है कोई भी पोजिशन विद 335 का स्टॉप लॉस। निफ्टी डे हाई, ये मार्केट आज शॉर्ट कवरिंग, असली आप शॉर्ट कवरिंग क्यों बोल रहा हूं मैं, सीरीज के पहले दिन रोल ओवर भी होते हैं, मतलब पिछले सीरीज से नेक्स्ट सीरीज में कुछ मंदी की पोजीशन जाती हैं, ये सब कटेंगे आज 17,200 के लेवल के ऊपर। आज एकदम से मंदी की पोजीशंस कटेंगी, और 17,272 हो गया आज के दिन में निफ्टी, 17,210 के लेवल पे ओपन हुआ था, तो 60 पॉइंट्स तो वैसे ही खड़े खड़े मार्केट आज के सत्र में दे गया, तो इट्स ह्यूज। आज के सत्र में शुरुआती 15 मिनट तो निकाल लिए। अब देखो, अगर अब खरीदारी करनी है तो अब तरीका कुछ अलग है। अब तरीका तो ये कि वैसे तो हो गया ब्रेकआउट 17,263 के लेवल के ऊपर, हम और तेज हैं, 17,263 ही नहीं टूटता तो फिर और यहां से और दूर पकड़ेंगे और 17,300 के लेवल को कूच करेंगे, लेकिन ये ना बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया एकदम से खुलते ही शुरुआती 15 मिनट में, थोड़ा कॉशियस रहना। अब के सत्र की जो खरीदारी है वो ऑब्वियसली खरीदारी तो दिखती है, लेकिन यहां से थोड़ा कॉशियस रहना, नियर टू 17,300 के लेवल्स पे थोड़ी यहां पर आके थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और फिर हम नीचे खरीदने की कोशिश करेंगे फिर से। इट्स अ बाय मार्केट नाउ, ये तो समझ में आता है कि बाय मार्केट है, ये सेल मार्केट तो है नहीं दूर दूर तक, पर इन लेवल्स पे नहीं, थोड़ा नीचे मिल जाए तो ठीक। जी, अभी तक आप इतने समय में आपको क्या लगता है कौन से शेयर्स को हम अभी फिलहाल रडार पर रख सकते हैं, कौन से शेयर्स अभी मतलब टॉप पिक्स में हो सकते हैं आज के डे? सब चल रहे हैं, दिक्कत एक्सिस चल रहा है, आईसीआईसीआई चल रहा है और रिलायंस भी चल रहा है। एक बार मैं एक एक करके स्कैन करना शुरू करता हूँ, मुझे लग रहा है कि एक्सिस और ये आईसीआईसीआई अगर यहाँ पर चलने शुरू हो, क्योंकि बहुत ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक्स है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्सिस का है 300, 861, एक्सिस चल रहा है 857, आईसीआईसीआई बैंक चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक तो ट्रेड अगर मेरे को निकालना होगा तो मैं आईसीआईसीआई बैंक की कोशिश करूंगा, एक बार मैं फिर भी इसके लेवल्स देख लूं। और नेक्स्ट, जी हाँ, अगर ये आईसीआईसीआई बैंक 869 के लेवल के ऊपर चलना शुरू हो गया तो दैट विल बी कंसिडर्ड ह्यूज। मैं अभी थोड़ी देर बाद फिर से आईसीआईसीआई बैंक देखूंगा, इट्स ट्रेडिंग एट 868। मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज शुरुआती 15 मिनट का खेल होने वाला है, 4 मिनट बचे हैं, लेकिन अबव 869 एकदम से तूल पकड़ेगा ये स्टॉक, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी बाजार सरेंडर करने को तैयार नहीं है, और यहां पर अभी भी रुझान बहुत सारे स्टॉक्स में पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हो रही है, तो लेट्स वेट, थोड़ा वेट करते हैं, बहुत तेज हो चुके हैं, थोड़ा वेट करते हैं, अगले 5-10 मिनट वेट करते हैं, अगर सरेंडर करना हुआ तो करेंगे, नहीं करना हुआ तो यहीं से दौड़ेंगे स्टॉक्स, और ये सब डिप्स में ऐड करने हैं। अब आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब डिप में मिल जाए तो इनको ऐड कर सकते हो। जी, विशांत श्रीवास्तव जी टीसीएस के बारे में जानना चाहते हैं। ये तेज तो है लेकिन कोई उतना मल्टीपल, मतलब ऐसे वाले तेजी नहीं दिखती जैसे चार्ट पे, तो मुझे लग रहा है कि अभी तो ठीक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो यू शुड होल्ड ऑन विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3080, 3090। ये इस बार 3100 के नीचे नहीं गया तो फिर समझो तेज हो गया स्टॉक, मुझे लग रहा है कि रिवर्सल है इसमें, अच्छा खासा रिवर्सल आया हुआ है, अगर आज ये स्टॉक 3150 के नीचे बंद नहीं होता तो फिर रिवर्सल कंसिडर किया जा सकता है, तो जी, देखते हैं कि ये 3000 के लेवल को प्रोटेक्ट, 3100 के लेवल को प्रोटेक्ट करता है कि नहीं। पहला है 3150, फिर है 3100, ये दो सपोर्ट्स हैं और मेरे को लग रहा है कि इस बार सपोर्ट कर जाएगा। प्री रिजल्ट बाइंग तो होनी बाकी है ही, तो टीसीएस में भी होगी, लेकिन इस पूरे सेक्टर में एक्सेल टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छा लगता है। आरुष जी का सवाल है एनसीसी को लेकर, उन्होंने 92 के प्राइस पर इसके शेयर्स खरीदे हैं, पूछ रहे हैं क्या इसमें और ऐड किया जा सकता है और एग्जिट का प्राइस लेवल क्या होगा? एग्जिट तो नहीं करना इसमें, ये स्टॉक ट्रेंड में है, ट्रेंड वाले स्टॉक्स को एग्जिट नहीं करना ऐसे मार्केट में, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो गए मार्केट में तो फिर ये जो स्टॉक्स हैं इनको पहले वेटेज दी जाएगी। एनसीसी में दिक्कत क्या थी, एनसीसी ना 90 का लेवल, 94 का लेवल इतनी आसानी से तोड़ता नहीं था, जी 94 का लेवल, 96 का लेवल इतनी आसानी से तोड़ता नहीं था, दिस वन, ये वाला जो लेवल है ये इसके ऊपर आगे कर रहा है ट्रेड, तो इसी को लगा लो स्टॉप लॉस, फिर 94 95 के लेवल के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कैरी कर लो, ये अगर तेजी पकड़ा तो यहां से भी बहुत तेज हो जाएगा, तो यू शुड होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। जी
इकबाल जी का एक सवाल है, वो पूछ रहे हैं टाटा पावर को लेकर। उनका सवाल है कि उन्होंने 213 पर इसके शेयर्स खरीदे हैं। पूछ रहे हैं कि इसमें एवरेज करने का राइट टाइम क्या होगा। नहीं, इसमें एवरेज करने का भी टाइम है ही नहीं। ये नीचे से ऊपर तो आ गया, पर ये 195 196 को पार करने में इसको बहुत दिक्कत आ जाएगी, तो यू शुड वेट। और अगर हल्का होना चाहते हो तो आप बेझिझक 200 के आसपास, अगर आए 196 के आसपास आए तो हल्के हो जाओ। ये आप एवरेज के बारे में अभी मत सोचो, बिकॉज ट्रेंड डेवलप नहीं हो रहा है। ट्रेंड डेवलप होने में थोड़ा टाइम लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, और ट्रेंड डेवलप होगा ही 215 211 के लेवल्स, मतलब 200 के लेवल के ऊपर। मुझे नहीं लग रहा 200 के लेवल को इतना इजिली कॉन्कर करेगा। तो या तो वेट करो या फिर अपनी पोजीशंस को आधी पोजीशंस काट लो, आधी बाजार के हवाले छोड़ दो। ये अभी उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं रहा है। जी हमारे प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी ऊपर, जी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी ऊपर। जी। हमारे एक व्यूअर मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने इसके 120 शेयर्स खरीदे हैं 125.50 रुपए के प्राइस पर। पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। 125 की खरीद थोड़ी ऊपर की, आपने बहुत पहले खरीद रखे हैं अभी ये स्टॉक, तो मेरे हिसाब से 125 127 के आसपास आए तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना है, उसको फिर नीचे खरीदना है 115 116 के जोन पे। है तो ट्रेंड में, लेकिन आपकी खरीद भाव थोड़ी ऊपर की है, तो फिर वहां पर हल्का होकर फिर से नीचे खरीदने की कोशिश करो। और मार्केट सरेंडर नहीं करेगा, आज मार्केट ही तेज होगा, निफ्टी बाय है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स के बजाय आज इंडेक्स पे बैट ज्यादा लगती हुई नजर आए, क्योंकि स्टॉक्स तो सभी चल जाएंगे। आप ये समझो कि अगर मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है तो जितने स्टॉक्स आपको दिखेंगे वो सब 2.5% ऊपर दिख जाएंगे आज के सत्र में, ऐसा लग रहा है। निफ्टी के कंपोनेंट्स 1.5% से 2% के ब्रैकेट में, तो आमतौर पर रिजल्ट आज के सत्र में तेज होंगे। और मुझे लग रहा है कि निफ्टी ही आज के सत्र में एकदम से एक्यूमुलेट होता चला जाएगा अबव 17,200। ये निफ्टी में बहुत तगड़ा ब्रेकआउट है आज। जी और इसमें जो आपने मन्नापुरम बोला 126-127 के आसपास प्रॉफिट बुक करके नीचे खरीदने की कोशिश करो। जी हमारे एक व्यूअर विद जी पूछ रहे हैं डाबर में उन्हें SIP करनी है 5 साल के लिए, तो पूछ रहे हैं कि बाइंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उनकी। बाइंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अभी तो इसने जो खेल करना था वो कर दिया, ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है तो सरेंडर तो किया नहीं, लेकिन इसमें जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है दैट इज 545, मल्टीपल टाइम्स, 3 टाइम्स हो गया 545, इसके ऊपर तो गया नहीं, तो मुझे लग रहा है इसको नीचे खरीदने की कोशिश करो फिर भी 525-530 के आसपास। अगर तो ये 545 क्रॉस कर जाए, उसके ऊपर टिक जाए तो तेज हो जाएगा, 562 चला जाएगा, लेकिन अभी के लिए मेरे को 545 हर्डल दिखता है, इससे नहीं हो पा रहा। और नीचे अगर इसने 530 तोड़ दिया तो ये और नीचे चले जाएगा, तो इसको नीचे ही खरीदना। अभी तो स्ट्रैटेजी यही बनती है कि इसमें ब्रेकआउट नहीं आया तो उसको नीचे खरीदना चाहिए, 530 उसके बाद 525 इस जोन के आसपास खरीदना चाहिए। जी क्षितिज जी का सवाल है रिलायंस को लेकर। उन्होंने 2,240 के प्राइस पर इसके शेयर्स खरीदे हैं। पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। आराम से इत्मीनान से बैठना चाहिए रिलायंस पे। रिलायंस एक मेजर हर्डल पे आ गया, बाजार भी तो उसी हर्डल पे था, लेकिन रिलायंस पे एक ब्रेकआउट होगा और मेरे को लग रहा है कि जल्द होगा। और आज के सत्र में 2290 के ऊपर टिकी रहा है, और जो ब्रेकआउट लेवल है दैट इज 2300। अगर ये 2300 के लेवल के ऊपर टिकना शुरू हो गया तो कंसिडर्ड एज अ ब्रेकआउट। मुझे लग रहा है कि इसमें ब्रेकआउट की तैयारी है, आपको अभी रुकना चाहिए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर तेज होगा साथ साथ बाजार भी चलेगा, तो आज का दिन तो क्रूशल है ही, 184 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए भी इंपॉर्टेंट दिन है। और अगर बाजार यहां से और स्ट्रेंथ पकड़ेगा तो रिलायंस के बलबूते पकड़ेगा, आपको रुकना चाहिए स्टॉक में। ये ब्रेकआउट कैंडिडेट है, ब्रेकआउट होगा, वॉल्यूम्स भी देखें आज के सत्र में गजब वॉल्यूम्स भी हैं, आप इसको रोको अपने पोर्टफोलियो में भी। जी शुभम रावत जी का सवाल लेंगे। उन्होंने HFCL के बारे में पूछा है, 55 रुपए में उन्होंने इसके 1,000 शेयर्स खरीदे हैं। पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए इसका क्या व्यू होगा। कितने में खरीदे? 55। हाँ, तो इसको आप होल्ड कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई ऑर्डर की खबर होगी तो इसको ड्राइव कर रही है, लेकिन स्टॉक तो टूटता हुआ स्टॉक पलटा है। अब इसमें जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, हायर साइड पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। पहला तो यहीं पर ही है जहां पर खड़ा 63 के आसपास, फिर है 66 और फिर है 670। तो 63, 66, 70 ये तीनों रेजिस्टेंस एरियाज हैं, और यहां पर अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहो नियर टू 66, 70 तो आप शॉर्ट टर्म एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर कर सकते हो 66, 70 के आसपास प्रॉफिट बुक।
अगला सवाल लेंगे अनीस जी का। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने IRFC के शेयर्स खरीदे हैं 28 रुपए के प्राइस पर। पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। वेट करना चाहिए अभी अभी IRFC में 25 का स्टॉप लॉस लगा के 25 क्लोजिंग बेसिस। वैसे आप इसमें आप वेट ही कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आके खड़ा हो गया है 25.5 26 के लेवल के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि आपके भाव तो आ जाएंगे। वहां पर अपने प्रॉफिट बुक करना चाहो तो कर लेना, लेकिन टारगेट इसमें पहला तो आपका भाव ही है, दैट इज 28। इन्होंने 28 पे खरीदा ना, जी तो 28 के आसपास का टारगेट। हाँ, उसके बाद है मेजर 29.6। 29.6 और 30 के आसपास तो बेझिझक बेच देना, कोई बात नहीं। और आज जो बाजार तेज हो रहा है, दैट इज ड्यू टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, देन ICICI बैंक और देन इन्फोसिस, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। निफ्टी पे नजर रखो आज तो, अगर बाजार में यहाँ से कुछ होने वाला हो तो एक्सिस ICICI बैंक, बस सबका ये वाला देखते हैं ट्रेंड। अगर ये ट्रेंड सबका इंटैक्ट रहा ना, ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, ये तीन बड़े बैंक का, तो कमाल हो जाएगा। पहले घंटे की कैंडल तो ICICI बैंक की पॉजिटिव है 869 के लेवल पे, तो पहले घंटे में समझ में आता है कि ब्रेकआउट है अबव 862, ये ठीक रहेगा 864 862। फिर है HDFC बैंक, अगर खेल होना हुआ तो निफ्टी बैंक में और शार्प होगा। HDFC बैंक भी अपने प्रीवियस हाई के ऊपर कोशिश कर रहा है टिकने की, कोई उतनी बड़ी तेजी नहीं, लेकिन चलो 1600 के लेवल के ऊपर कोशिश की। फिर है एक्सिस, ये तीन हैवी वेट्स हैं निफ्टी बैंक को जो ड्राइव करते हैं अक्सर। एक्सिस बैंक शुरुआत ऊपर हुई थी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, लेकिन चलो इट इज मेंटेनिंग अबव 848। तो देखते हैं ये तीनों बैंक्स को आप देखो, अगर इसमें से तीनों बैंक्स ये पॉजिटिव रह जाते हैं तो आज कमाल होगा बैंक निफ्टी पे। अभी तो बाजार बहुत तेज है तो थोड़े प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, और आधे घंटे बाद अब देखते हैं कि बाजार क्लियर कट चाल क्या पकड़ता है। मुझे लग रहा है तेजी की और ही पकड़ेगा वैसे आज, और लीड करेगा इनमें से क्या, इनमें से लीड करेगा रिलायंस इंडस्ट्री। जी आज SBI का क्या हाल है, क्योंकि शुभम जी पूछ रहे हैं SBI बैंक के बारे में, उन्होंने इसके शेयर्स खरीदे हुए हैं 510 रुपए पर, पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। SBI 510 वाली खरीद तो बेच मत देना इतनी आसानी से, क्योंकि अगर बाजार में रिवर्सल आ गया तो फिर वो भाव नहीं दिखेगा दोबारा। तो मुझे लग रहा है कि अभी तो आज तो नहीं, आज तो नहीं SBI इतना प्रेफर्ड। SBI में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और पर ये है रिवर्सल, ये बात भी पक्की है, और इसको आपको रोकना है तो 505-504 का स्टॉप लॉस लगा लो क्लोजिंग बेसिस पे। 504-505 क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आया तो फिर स्टॉक कूच कर जाएगा ऊपर 532, और 532 के ऊपर 552, तो मुझे लग रहा है 532 एटलीस्ट छूना चाहिए ये स्टॉक, और आपको होल्ड करना है SBI। और जो दूसरा जो स्टॉक आप हम रोज एक ट्रेड बोलते हैं, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्रीज है आज का, जो भी बाजार में करना है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं करना है, इसी के बलबूते चलेगा आज बाजार। जी अगला सवाल लेते हैं अमित बंसल जी का। वो पूछ रहे हैं मारुति के बारे में। मारुति तो होल्ड है, इन्होंने कितने भाव पे ले रखे हैं? प्राइस उन्होंने नहीं बताया है, तो आज के लिए तो नहीं होल्ड ये। अब अगले सेशन में जब हम जुड़ेंगे सोमवार को, तो फिर ऑटो नंबर्स आ जाएंगे, उसके बाद एक बड़ा मूव या तो ऊपर या फिर नीचे, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टेबल स्टॉक है, रहना चाहिए पोर्टफोलियो में। किसी के पास है अभी तो वो 8100 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा ले, 8100 भी छोड़ो 8200 का ही लगा लो क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, और इसको होल्ड करो 8200 के स्टॉप लॉस के साथ। अभी ऑटो नंबर्स का एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मारुति सुजुकी पे। जी मैं यही अपने व्यूअर से एक बार कहना चाहूंगी कि जब आप सवाल करते हैं अगर ये और तेज होगा, लेकिन सेकंड लेग आई है एंड सेकंड लेग इज आल्सो अबाउट 2290, और 2290 के ऊपर भी ये मेंटेन कर रहा है अपने आप को, तो दिस इज लुकिंग एक्सट्रीमली स्ट्रांग। तो देखते हैं कि यहां से अब अगर रिलायंस इंडस्ट्री चढ़ गया तो बाजार के आज 17300 की ओर कूच करेगा कि नहीं। बहुत बड़ी तेजी हो गई है, लेकिन जो सरेंडर नहीं कर रहे स्टॉक्स उनकी तरफ फोकस है, और उसमें एक ही स्टॉक्स में आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दैट इज लीडिंग निफ्टी। और इतना आसान नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ही दिन में 3% से ज्यादा की छलांग लगा जाए, ये हो तो गया अपने ATR वेटीआर सब तोड़ गया ऊपर, लेकिन ये लगातार चढ़ता स्टॉक है, और ये स्टॉक अभी और तूल पकड़ेगा यहां से ऐसा लग रहा है, बिकॉज बहुत समय बाद देखा कि रिलायंस में ऐसी तेजी बन रही है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खबर ये है कि जियो फाइनेंशियल की डीमर्जर को अप्रूवल मिल रही है, और 2 मई को बोर्ड बैठक है जब जियो फाइनेंशियल का डीमर्जर जो है वो अप्रूव हो सकता है कंप्लीटली, और एक शेयर पर एक जियो फाइनेंशियल का अगर शेयर मिला तो वो वैल्यू अनलॉकिंग का कैंडिडेट बन जाएगा। और बाजार अब यही बनाने की कोशिश कर रहा है कि चलो पहला स्टेप था जियो फाइनेंशियल, जिसमें KV कामत साहब भी हैं, तो पहला स्टेप था जियो फाइनेंशियल,
अगर ऐसे ही एक दो स्टेप्स और आ गए तो सोचो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो मैं फिर कह रहा हूँ वैल्यू अनलॉकिंग का इतना तगड़ा कैंडिडेट है कि इसमें रिलायंस जियो है, रिलायंस रिटेल है, रिलायंस की इतनी सारी अलग अलग आर्म्स हैं, अब तो FMCG कारोबार में भी है रिलायंस। तो यही था, जिस दिन वैल्यू अनलॉकिंग खबर आएगी बहुत तगड़ी आएगी। और आज ये स्टॉक लगातार चढ़ता हुआ स्टॉक है, तो दिस इज मॉर्निंग ट्रेड और जबरदस्त है रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के सत्र। अनुभव जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, उनके सवाल का जवाब हमने ऑलरेडी अपने सेशन में दे दिया है, वो NMDC के बारे में उन्होंने सवाल पूछा था, और शुभम जी आपके भी सवाल का हमने जवाब डिस्कस कर लिया है, एक बार हमारे वीडियो को आप बैक करके देख लेंगे तो आपके सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। धीरज जी पूछ रहे हैं JK पेपर के अगर उन्होंने शेयर खरीदने हैं तो बाइंग जोन क्या होगा। JK पेपर को आप खरीद सकते हैं मौजूदा स्तरों पे, या फिर थोड़ा डिप आ जाए 2-3% का तो भी। ये स्टॉक जब तक 368 के लेवल के ऊपर मेंटेन रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा। है तो ये रेंज बाउंड, लेकिन पिछले दो दिनों में इसने तेजी पकड़ी है। आप किसी के पास भी हो तो वो आज के दिन के लो का स्टॉप लॉस लगाकर और तेजी बना सकता है स्टॉक में। इसका टारगेट है 392, 390 से 392 के आसपास जाके फंसेगा ये स्टॉक, तब तक तेज रहेगा। होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 368 जी। हमारे व्यूअर संजय जी का सवाल है कि अगर आज वो शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो TCS, टाटा एलेक्सा और इंफोसिस के शेयर्स खरीद सकते हैं या भी उन्हें वेट करना चाहिए। थोड़ा बैंक्स भी कंसिडर कर लेना, मतलब आप बैंक्स की तरफ भी जाना, एक IT एक बैंक खरीद लो, पोर्टफोलियो बराबर हो जाएगा। मतलब अगर चलना होगा, मुझे नहीं पता ना कि IT में एकदम से तेजी आ जाएगी या फिर बैंक, मुझे अभी समझ में आता है कि ICICI, एक्सिस, SBI ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो फ्लेवर में चलेंगे ज्यादा। ICICI बैंक, एक्सिस और PSUs में SBI बेट लग जाएगी अगर रिजल्ट सीजन पे लगनी होगी। और ऑयल एंड गैस में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कंसिडर करो, ये है, ये बाय एंड डिप्स का एक अच्छा कैंडिडेट बनेगा अब रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो इसको रखना रेडार पर। 2300 के ऊपर ये समझो मंदी खत्म, 2300 के ऊपर अगर यहाँ टिक गया तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी रखो। और आप जो बोल रहे हो TCS, इंफोसिस धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हो, रिजल्ट से कोई उतनी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो TCS और इंफोसिस कोर पोर्टफोलियो में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक्यूमुलेट करके रख सकते हो। लेकिन जहां पर एक्सपेक्टेशन है पहले उसके साथ जाओ, उसमें ICICI बैंक है, रिलायंस है, SBI भी है जी। कैम्पलास सनमार के शेयर्स हमारे एक व्यूअर ने खरीदे हैं 471 के प्राइस पर, पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। तो बहुत ऊपर का भाव हो गया जी, 471 पर खरीदा था उन्होंने, अभी 353 पर ये ट्रेड कर रहे हैं। नहीं नहीं प्लीज, अभी तो देखो अभी तो कंप्लीटली शार्टेड है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड पलटने में ही इसको 380 के लेवल के ऊपर निकलना है। 380 के लेवल के ऊपर ठीक हो जाएगा ये स्टॉक, और अभी तो इसने नया ही लो बना दिया, ये तो खैर है ही नहीं, मतलब सवाल ही नहीं उठता। अगर तो कुछ जादू हो जाए तब जाके 380 के लेवल के ऊपर आएगा, नहीं तो फिर 380 तगड़ा रेजिस्टेंस। जिस दिन आपको 380 के ऊपर टिकता दिखे उस दिन मत बेचना, लेकिन अभी के लिए इट्स नॉट गुड। और ये लगातार नए लेवल हो रहा है, इट्स ऑल टाइम लो है क्या, ऑल टाइम लो लेवल पे है स्टॉक जी। मुकुल जी का सवाल है नायका को लेकर, वो पूछ रहे हैं इसका टारगेट प्राइस क्या हो। नीचे के ऊपर खरीदने के लिए पूछ रहे हैं, तो खरीदने वाला है ही नहीं है स्टॉक, अभी तो रिकॉर्ड लोज से ही बच जाए थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा है कि 121 के आसपास का रिकॉर्ड लो है, 126 चल रहा है, तो ना ही खरीदें तो अच्छा है, टारगेट के बारे में ना सोचें। टारगेट पूछना है तो ऐसे वालों से पूछें, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक 871 हो गया पार, और ऐसे वाले स्टॉक्स फिर भी समय में आ रहे हैं इस समय लार्ज कैप्स। ये जो बीटन डाउन है और वो नेगेटिव ट्रेंड वाले मिड कैप्स हैं उनकी तरफ जाने से अच्छा जिनका पॉजिटिव ट्रेंड है मिड कैप्स का, और जो टूट चुके हैं उनकी तरफ जाओ, नायका की तरफ मत जाओ, अभी नहीं होने वाला कुछ। एंड निफ्टी इज ट्रेडिंग एट डे हाई, नियरली 200 पॉइंट्स अप, स्टॉक दो ही है ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो हमारे व्यूअर्स जरूर इन दोनों शेयर्स को अपने रडार पर रखें, और जिस तरीके से हम बता रहे हैं अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं चंबल फर्टिलाइजर्स के, उन्होंने शेयर खरीदे हैं 352 के प्राइस पर, पूछ रहे हैं अब क्या करना चाहिए इसमें। 352 से पहले 270 का रेजिस्टेंस है, वो मल्टीपल है, मतलब आप एग्जिट करने के बारे में सोचना जब भी सोचो तो।
कमाई के बारे में तो मत ही सोच लेना, क्योंकि 352 तो एक हर्डल, उससे पहले तो आप ये समझो सीरियसली 352 जी 352 तो बिल्कुल ही टॉप पे है, मतलब ये समझो मैं कितने रेजिस्टेंस गिनवाऊंगा इसमें, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, भाव तो आ जाएंगे लेकिन रियल बहुत लंबा समय निकलेगा, तो कंपनी बेकार नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ होल्ड। ये तो मैं तो कहता है एग्जिट, एग्जिट नियर व्हाट, एग्जिट नियर 300, 310, 15 जो भी लेवल मिले आपको निकलना पड़ेगा, लेकिन अभी मॉनसून शुरू हो जाएगा जब तब हम फर्टिलाइजर स्टॉक्स को ट्रैक करेंगे तो मे बी आपके भाव आ जाएं, पर आप फिर निकलिए, ये सौदा ठीक नहीं है किसी भी लिहाज से। जी अगला सवाल है सुप्रिया लाइफ साइंसेस को लेकर, 343 पर इसके शेयर्स खरीदे हमारे व्यूअर ने, पूछ रहा है क्या करना चाहिए। सुप्रिया लाइफ साइंसेस में कितने भाव पे लिए, 340 जी अभी चल रहा है 188, तो आप ये समझो कि इसमें 220 का लेवल पार करने में बहुत चुनौती है, तो 220 जिस दिन एकदम से स्पाइक अप देखे 220 या फिर 230 वहां पर आप निकलने के बारे में सोचिएगा। जी डॉक्टर अरविंद जी निफ्टी का आज का लेवल पूछ रहे हैं। हाँ अब देखना भी निफ्टी का ही लेवल चाहिए, बिकॉज निफ्टी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं एंड हमने ये आधे घंटे की ट्रेडिंग पूरी करी है, तो डॉक्टर साहब सवाल तो आपको बिल्कुल सही है और मैं तो अभी पॉजिटिव हूँ मार्केट में, आज के सत्र में नहीं छोड़नी मार्केट इतनी आसानी से, आज छोड़ दिया तो फिर मजा ही खत्म, आज बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट है, तो नेक्स्ट लेवल जो निफ्टी का है दैट इज 17,375 सीधा 100 पॉइंट ऊपर, आपको लगेगा कि 100 पॉइंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ सकता है भाई साहब, यही तो गेम है बाजार में आज, अगर आज बाजार की गेम शुरू होनी हो, अगर हो गई बाजार की गेम तो 250-300 पॉइंट का खेल है बाजार में कम से कम, और वो इसलिए क्योंकि देखो बाजार वेट नहीं करेगा कि कोई आए और उसके बाद थाली में मिल जाए निफ्टी नीचे दोबारा से खरीदने का मौका, ऐसा होने ही नहीं वाला, अगर कटने होंगे तो आज ही कटेंगे, आज तो बहुत ही बेहतरीन मौका है, हम कल से चिल्ला रहे हैं, कल बाजार बंद था लेकिन हमने बोला कि बाजार पे हो सकता है कि आज बेहतरीन मौका मिल जाए, और 300 के ऊपर गए तो आप ये समझो 17-1 खड़े हैं, एक तो वो कांपेंगे ऑल राइट है, 17-200 वाले काटेंगे और ऊपर से 17-300 वाले भी एकदम से पैनिक में आ जाएंगे, मैं बस ये चेक कर लेता हूँ कि आज 17-300 में हो क्या रहा है, 17-300 के ऊपर अब जब भी तो उसके बाद असली खेल शुरू होगा, तो हम वेट ही यही कर रहे हैं कि आज बाजार एक बार 17-300 के ऊपर थोड़ा टिक जाए, अभी यही समझ में आता ओ बॉस आज के सत्र में तो 17,000 को दबा दिया, मतलब 17,200 का बहुत माइनर सा आपको दिख रहा है, 17,300 को एक रेजिस्टेंस मान के चल रहा है मार्केट इस समय, तो असली गेम शुरू हो जाएगा 17,290 के ऊपर, 17,300 के लेवल के ऊपर, और मुझे लग रहा है बाजार आज कूच करेगा जबरदस्त तरीके से, अब अगर किसी को स्टॉप लॉस लगाना हो तो वो क्या लगाए वो भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आज जिस तरीके की तेजी है कटेंगे तो स्टॉप लॉस तो डे लो का ही बनता है, दैट इज 17,214 का लेवल जो आज के दिन की ओपनिंग लेवल है, उसी को स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे सारे, और इज इट अ ब्रेकआउट, यस इट्स अ ब्रेकआउट, तो आप 17,000 आज के दिन का लो दैट इज 17,214 मोटा मोटा 17,200 का लेवल एक स्टॉप लॉस एक्ट करेगा 75 पॉइंट नीचे, उससे पहले का एक जो स्विंग लो है दैट इज 17,250, 17,225 के लेवल के ऊपर भी अगर टिके रहे ना तो एक लेग और बन जाएगी हायर साइड की, तो मुझे लग रहा है कि यू शुड स्टे लॉन्ग इन दिस मार्केट, और देखते हैं कि अभी कोई बहुत तगड़ी राइटिंग नहीं हुई ऊपर 17,300 पे, अगर 17,300 के राइटर कॉन्फिडेंट नहीं है कॉल राइटर दैट मींस कि आज मार्केट में बड़ा खेल होगा, मैं एक बार लॉन्ग टर्म चार्ट पे देख लूं कुछ है तो नहीं इंपॉर्टेंट लेवल 17,300 का, बिल्कुल भी नहीं है, पिछले हफ्ते के हाई को भी निकाल दिया 17,207, उससे बाद है 17,529, तो आज का गेम बहुत तगड़ा है सच्ची में तन्वी, आज अगर हुआ ना ये मार्केट ऊपर तेज तो ये मार्केट बहुत तेज जाएगा हायर साइड पे, और नियरली 300 पॉइंट कम से कम की रैली आज के सत्र में बननी चाहिए जिस तरीके के आंकड़े अभी पैन आउट, और मुझे लग रहा है थोड़ी देर में 17,300 भी क्रॉस होगा 5 मिनट के अंदर अंदर, और 17,300 के ऊपर ही टिकेंगे आज के, बहुत तगड़ी जो राइटिंग हो रखी थी वो एकदम से पोजीशन खुलने को आएंगे आज, अब देखो कन्विक्शन होता है कभी कभी मार्केट में, कुछ ऐसा होता है सुबह सुबह कि जिसमें कन्विक्शन होता है, क्यों कन्विक्शन आ रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लो आप 3% ऊपर, ICICI बैंक ऊपर है, सब ऊपर है, मार्केट को शॉर्ट करने की हिम्मत किसी की होगी नहीं अभी। जी टाटा स्टील को लेकर हर्ष जी एक सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल ले लेते हैं, 106 पर उन्होंने इसके शेयर्स खरीदे, पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। अभी तो आप बने रहो,
पर इसका जो मैक्स एक रेजिस्टेंस है दैट इज 108 109 के ऊपर ही स्टॉक उससे नीचे इट्स नॉट अ क्लियर ट्रेंड। आज एक इशारा दिया है इसने कि मैं तेज होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन असली तेजी 108 के लेवल के ऊपर बनेगी, उससे नीचे नहीं बन सकती। जी, इसके अलावा क्या आज कोई मिड कैप स्टॉक्स है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो या जिससे हमारे व्यूअर्स आज रडार पर रख सकते हैं? सीरियसली आज ना निफ्टी पे सारे लार्ज कैप दिखाई दे रहे हैं, मिड कैप की तरफ फोकस ही नहीं किया। अब मिड कैप ढूंढने जाओगे तो बहुत सारे दिखेंगे आज, तो मतलब सब 5-5, 6-6% ऊपर, लेकिन आज कमाई होनी है तो होनी निफ्टी से है। आज निफ्टी से कमाई होनी है, असली खेल तो वहीं हो रहा है, और दूसरा होगा बैंक निफ्टी में खेल। वैसे तो SFL है, शीला फोम, BEL, HFCL, APL लिमिटेड, ये सारे स्टॉक्स हैं। वैसे तो मैं एक करके दिखा रहा हूँ आपको, शुरुआत सबकी तेज हुई है, लेकिन हम जो ट्रैक कर रहे हैं दैट इज निफ्टी, क्योंकि आज जब पता ही है कि इंडेक्स ने ऊपर जाना है तो आगे पीछे देखने से कुछ होने वाला है नहीं। आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक एकदम से अगर तेज हो गया तो ये निफ्टी को ले जाएगा ऊपर। वैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो आज है ये APL लिमिटेड, गिरते हुए स्टॉक्स पलट रहे हैं आज। आप मिड कैप्स में ढूंढने जाओगे तो फिर पूरी मार्केट स्कैन करनी पड़ जाएगी। तो आज के सत्र में HFCL जी, ये स्टॉक है आज के सत्र में एक्टिव, शुरुआती ट्रेड में एक्टिव हो गया था 62 के लेवल, उसके ऊपर क्वेरी भी आई थी जब मैंने कहा था कि इसके ऊपर 66 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद BEL ऑर्डर इनफ्लो की खबर है जो इसको ड्राइव कर गई है, तो एक ये BEL है, BEL इज गिविंग अ ब्रेकआउट, देखते हैं कि यहां से अभी ये 99 और 101 के लेवल छूता है कि नहीं, 101 का। उसके बाद है IB रियल एस्टेट, लोअर लेवल से पलटा है। एक स्टॉक है BSE जो बहुत पिटाई के बाद पलटा है आज ना, नीचे वाले स्टॉक्स जो पिट रहे थे वो पलटे हैं, तो आज सब बॉटम फिशिंग के कैंडिडेट बने हुए हैं। BSE अबव 426-425 ये अच्छा स्टॉक है, लोअर लेवल से पलटा है ये स्टॉक, रेडार पर रखे हैं इसे। इसके अलावा रेणुका, TV18, पॉलीप्लेक्स, BDL डिफेंस स्टॉक्स में भी खरीदारी हो रही है, BDL जैसे स्टॉक्स में, और ये इसलिए क्योंकि बाजार ब्रेकआउट दे गया तो फिर खरीदारी तो बनती है। कुछ और सवाल लेते हैं। विनय जी पूछ रहे हैं बजाज फाइनेंस के बारे में, उन्होंने 3500 के प्राइस पर इसके शेयर्स खरीदे। 3500 वाले तो प्लीज बचे रहे, मतलब वो तो बैठो आराम से, बहुत ही बड़ी खरीदारी होगी इसमें कभी ना कभी, लेकिन आज क्यों नहीं हो रही, वो जियो फाइनेंशियल की अगर लिस्टिंग हो गई, जियो फाइनेंशियल एकदम से मार्केट में आया तो फिर वो हड़कंप पैदा कर देगा पूरे स्पेस में। पेटीएम में भी नहीं हो रही होगी आज, बजाज फाइनेंस में भी नहीं हो रही होगी कोई बहुत बड़ी खरीदारी। बजाज फाइनेंस है फ्लैट, थोड़ा समय लगेगा इसको चढ़ने में, और मुझे लग रहा है कि अगर इसने ये लेवल निकाल दिया 5400-5500 के लेवल, तो ये और नीचे चला जाएगा। तो यू कैन स्टे इन्वेस्टेड, लेकिन इसमें ना थोड़ा हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचो। इस बार 6300 के लेवल अगर इसने दिखा दिए रिजल्ट सीजन में, तो आपको थोड़ा हल्का हो जाना चाहिए। रिजल्ट सीजन में एक बार तो कूच करेगा हायर लेवल पे, तो वहां पर आपको निकलने के बारे में सोचना चाहिए। और आज वैसे पेटीएम का भी दिन थोड़ा नेगेटिव ही जाना चाहिए था बिकॉज ऑफ दिस, पेटीएम फिर भी संभल रहा है 642 के लेवल पे। तो स्टे इन्वेस्टेड इन बजाज फाइनेंस, मोटी मोटी बात ये थी, अभी स्टे इन्वेस्टेड। जी वही, उन्होंने बजाज फिनसर्व के भी शेयर्स खरीदे हैं 1300 के प्राइस पर। और 1300 के लेवल पे ही हर्डल है, 1310 के लेवल पे, तो अगर आपको अपनी पोजीशंस हल्की करनी है तो उस लेवल पे कर लो, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो तो कोई बुराई नहीं है। 1300 का भाव भी ठीक है, 1200 का भाव भी ठीक है, और 1150 का भी ठीक है, तो ऐड ऑन डिप्स, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव है, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी ऑन लोअर साइड, आपको ऐड करना चाहिए। कुलदीप जी का सवाल है अडानी ट्रांसमिशन को लेकर, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने 1192 रुपए के प्राइस पर इसके शेयर्स खरीदे हैं, पूछ रहे हैं कि इसे बेचूं या रखूं। थोड़ा सा 1192 थोड़ा हायर साइड पे है प्राइस, ये नीचे मिल जाए तो ठीक, लेकिन अभी इन लेवल्स पे नहीं, तो आपको एज सून एज पॉसिबल मुनाफा हो तो बाहर निकलना पड़ेगा। अभी आपका जो भाव है उसी के आसपास रेजिस्टेंस बैठती है, इसका रेजिस्टेंस है ही 1168 का, 1168 के ऊपर बहुत तेज हो जाएगा ये स्टॉक तो, पर अभी मेरे को लग रहा है कि उस लेवल को क्रॉस करना आसान नहीं है, तो यू शुड कट एट योर कॉस्ट या फिर थोड़ा सा नीचे। जी कोल इंडिया के प्राइस सॉरी कोल इंडिया के शेयर्स खरीदने, हमारे एक व्यूअर को पूछ रहे हैं कि कितने प्राइस पे से एक्युमुलेट कर सकते हैं, ऑलरेडी उनके पास है उनके पोर्टफोलियो में। थोड़ा धीरे चलेगा अब ये स्टॉक, बिकॉज अब बाजार ने अगर तेज होना है तो वो एग्रेसिव हो जाएगा, मार्केट फाइनेंशियल में चले जाएगा, IT में भी चले जाएगा, बहुत बीटन डाउन है। कोल इंडिया थोड़ा धीरे धीरे चलेगा,
हायर साइड पे ये 219-220 के लेवल पे फंसेगा और उसके बाद 225 के लेवल पे फंसेगा। ऐड तो आप कर सकते हो, लेकिन कोई भी पोजीशन ऐड कर रहे हो तो उसको 205 के क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाकर ऐड करना, 205 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाओ और ऐड कर लो, मौजूदा 100 रुपए भी कर सकते हैं, लेकिन स्लो रहेगा। मैं बोल रहा हूँ बैंकिंग की तरफ जाओ, वो तेज रहेंगे। अब है मार्केट डे हाई पे और निफ्टी की तरफ जाओ आज, तो मतलब आज तो कमाल ही होगा निफ्टी में, कर रहा हूँ बोल रहा हूँ तो देखते हैं अभी, देखते हैं अभी, बस हो गया ट्रेड आज का, एक घंटे के बाद जो स्टोरी डेवलप होगी, एक घंटे के बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसके ऊपर चढ़ेंगे हम। लेकिन ये समझ में आया कि शुरुआती एक घंटे में कोई ट्रेंड ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, डाउनसाइड नहीं दिखाया। अब अगले घंटे दिखा दे तो दिखा दे, लेकिन इस समय जो मेरी स्क्रीन पे दिखा रहा है वो दिखा रहा है रिलायंस डे हाई 23.11, ICICI बैंक डे हाई 874, सब मोटे मोटे ब्रेकआउट। और इसके अलावा ये दो तो है ही, उसके बाद हिंडाल्को लीड कर रहा है, ये भी 408 के लेवल पे पहुंचा है। तो ऐसी स्थिति में बाजार में अगर सरेंडर, वैसे बुरे वक्त में कर जाता है सरेंडर, अच्छे वक्त में नहीं करता। इस समय तो अच्छा वक्त चल रहा है बुल्स का, आज आज पूरी ताकत झोंक रखी है और ये भी चलेगा और साथ साथ बैंक निफ्टी भी चलेगा। बैंक निफ्टी सुपर पावर पकड़ेगा 40,500 के लेवल के ऊपर, तो रखो दोनों एंड, आईसीएस को रेडार पर रखो, बैंक निफ्टी को भी और निफ्टी को भी, आज कन्विक्शन हाई है जी। कुछ लास्ट की स्टेटमेंट अगर आप देना चाहें, नहीं तो हम इस सेशन को इस वक्त, स्टेटमेंट ये थी बाजार अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है और वो मूड ही सुधार दिया उस रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तो चलो, हम ये नहीं कह रहे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के बलबूती चढ़ेगा, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आज जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है मार्केट का, दैट वॉज ड्यू टू रिलायंस। 61 पॉइंट्स की तेजी तो रिलायंस के बलबूते ही है, उसके बाद 37 पॉइंट्स की तेजी आईसीआईसी के बलबूते है। तो रिलायंस और आईसीआईसी बैंक अगर टिके रहे ऊपर तो फिर कमाल ही होने वाला है, और अभी तो कैचअप होना बाकी है, ये तो ऊपर छोड़ नहीं देंगे मार्केट को ये दोनों स्टॉक्स, रिलायंस और आईसीआईसी तो पकड़ के रखेंगे, लेकिन उसके बाद जब कैचअप होगा ना तो फिर नीचे वाले स्टॉक्स जब ऊपर आएंगे वो एक और थ्रस्ट प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अबव 17,290 एकदम से निफ्टी तूल पकड़ने वाला है, और साथ ही साथ ये वाला बैंक निफ्टी भी, दोनों में ही। बैंक निफ्टी को हम कह रहे थे 40,200 का लेवल क्रॉस कर दे, कर दिया। निफ्टी में हम कह रहे थे 17,225 क्रॉस कर दे, कर दिया। तो दोनों के ब्रेकआउट हो गए। अब ब्रेकआउट के बाद तरीका ये होता है, थोड़ा डिप आ जाए तो ऐड करें, डिप आ जाए तो ऐड करें। वो डिप इंट्राडे में आएगी भी कि नहीं, सवाल ये है। मैं तो अभी कह रहा हूँ डिप में ऐड करें, लेकिन तो नहीं लग रहा डिप आएगी, ये ऐसे धीरे करके ऐड करना पड़ेगा विद स्मॉल स्मॉल पोजीशन। जी विनय जी, अभी भी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, एक बार मैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप प्लीज वीडियो को देख ले, अभी जस्ट हमने उस पर डिस्कस किया है। चलिए इस वक्त के सेशन में इतना ही रखते हैं, और अपने व्यूअर से कहना चाहेंगे कि वो 3 बजे एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, और हमारे साथ रजत जी भी लगातार जुड़े रहेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। इस वक्त के सेशन में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद रजत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।